स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिरां दिशे ज्ञानांजलिशलाकय, चक्षुरं नीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गजाननं भूतिगणाधिसेवितं कवित्तजम्बूफलचारुभक्षणम्, उमांसुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमोस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाख्ये सरोरबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटे युगधारिणे नमः। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फल्लारविन्दायत पत्र नेत्र, येन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। बोलो सद्गुरुदेव की जय। धियम सदा परिभवग्न अविष्ठतो हम तीर्थास्पदं शिवरं चुनुतं शरण्यं प्रत्यार्थिहं प्रणतपाल भवा विबोधं, वंदे महापुरुषते चरणारविंदम्। या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशंकर प्रभृतिभिर्देवै सदा वंदिता, सामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा आद्यां जगद्व्यापिनी, वीणा पुस्तकधारिणीमभयदा
जाड्यांधकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थिता वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धि प्रदां शारदां वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये लाटविधो प्रकाशो
श्रीमहालक्ष्म्यै नमः।
नमो भगवते वासुदेवाय। मूकं करोति वाचालम् पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवम्। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूपस्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। त्वां विघ्नशत्रुदलनेति च सुन्दरेति भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विद्याप्रदेत्यगहरेति च ये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भवनित्यमेव। बोलिए श्री गणपति गजानन भगवान की। प्रिय स्वजनों, गणेशोत्सव के अति पवित्र दिनों में भगवान गणेश की ही कृपा से सत्कर्म परिवार के तत्वावधान में कैडिला फार्मास्यूटिकल्स परिवार द्वारा आयोजित सदगत शिला बहन एवं इंद्रवदन भाई मोदी के आत्मश्रेयार्थ मेरे प्रिय डॉक्टर राजीव भाई मोदी का ये शुभ संकल्प शिव संकल्प लोग वर्ष में एक बार भी पितरों का श्राद्ध करने में कभी कभी भूल जाते हैं, लेकिन डॉक्टर राजीव भाई मोदी का ये शुभ संकल्प कि प्रति मास पितरों का ऋण अदा होता रहे और उसके द्वारा समाज में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आए, केवल शुष्क क्रियाकांड नहीं अपितु शास्त्रों का अवगाहन करके उसमें से जीवन जीने का विज्ञान जो है वो मूल्यवान रत्न विश्व भर के श्रोताजनों को प्राप्त हो। और ये लाभ इतना सुंदर मिल रहा है प्रिय स्वजनों, जिस तरह से साउथ पैसिफिक से लेकर के न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक
पूरे विश्व में से प्रतिभाव जो मिल रहा है। आज प्रातः काल की ही दो बातें, अपने स्वयं सेवक जो रोज इसकी लिंक भेजते हैं कथा की, YouTube की लिंक, कुछ मीडिया क्या कहते हैं उसको, WhatsApp पर और सब जगह पे आती है, तो भारत के लोगों को दूसरे दिन की लिंक मिली कथा की, परदेश में नहीं गई, परदेश में कोई एक दो ग्रुप में गई, बाकी नहीं गई, रह गया कुछ। प्रातः काल उठ करके जब चेक किया, इतने मैसेजेस थे, गणेश कथा की दो नंबर की लिंक कहां है, गणेश कथा की दूसरे दिन की लिंक कहां है, और सारे प्रदेश के लोग जिनको नहीं मिली थी। तो प्रसन्नता होती है कि लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, यदि न मिले तो दे मिस आउट। दूसरा तो एक प्रत्यक्ष फोन आया अमेरिका में, वर्जीनिया, मैरीलैंड, वॉशिंगटन डीसी एरिया आसपास का, मेरे प्रिय आत्मीय, वर्षों से मेरे पिछले 25-30 वर्षों से परिचय है, डॉक्टर किरण भाई और टामू बहन परीख। कहा कि हम जानते थे कि आप अभ्यासु हैं शास्त्र का, जब भी कथा जब कोई भी प्रवचन करते हैं, क्योंकि वर्षों से सुन रहे हैं वो, मैं वहां जब होता हूं तब भी सुनते हैं, मैरीलैंड में जब हो तब तो अवश्य आएंगे, लेकिन आसपास न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी में भी कहीं होगा तो वो प्रवचन सुनने के लिए आ जाते हैं। व्यवसाय से डॉक्टर हैं लेकिन बड़े एकदम एकेडेमिक अप्रोच से, स्टूडियस अप्रोच से, उनकी लाइब्रेरी में कम से कम इतनी सारी फाइल्स और पेपर्स लिख के, प्रवचनों को लिख लिख कर उन्होंने जो बनाया वो पूरा इतना भरा हुआ है। उनका फोन आया कि गणेश पुराण पे इतनी गहनता से चिंतन हो सकता है, वो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। डॉक्टर किरण भाई कहते हैं कि मेरे पास, उनके पास 2-3 पुस्तकें हैं, कहते पढ़ने का प्रयास किया गणेश पुराण, लेकिन चोंच बहुत डूबी नहीं, और मुश्किल से 2-3 पन्ने पढ़ के मैं रख देता था वापस कि बाद में कभी पढ़ेंगे, लेकिन गणेश पुराण के भीतर भी इतनी गहनता है, इतने शास्त्रार्थ है, ये पहली बार पता चला। तो ऐसे मेरे कहने का आशय, डॉक्टर राजीव भाई मोदी का जो ये अपने पितरों के प्रति श्राद्ध तर्पण करने का ये प्रयास विश्व में परिणाम ला रहा है, और इस गणेश पुराण कथा का आज 7वां दिन, अंतिम दिन की कथा का जो श्रवण करे उसे 7वां दिन की कथा श्रवण का पुण्य मिलता है। कल जब कथा में ये कहा तो आज हमारा महेश कहता है, गुरुजी आज आऊं कथा में? मैंने कहा क्यों? कहता 7वां दिन की कथा का पुण्य मिलेगा ना। मैंने कहा चल बैठ जा। तो सुबह उठकर मुझे पूछने आ जा, कुछ प्रसाद बनाओ हम साथ में लेकर चलें। मैंने कहा जा, तेरी इच्छा है बना। तो, प्रिय स्वजन, एक बार ये कथा प्रसंग में शुरू करता हूं, गणेश पुराण के उपासना खंड के 68वें अध्याय से, और आज हमें बहुत सारा कवर करना है, पूरा क्रीड़ा खंड बाकी है। तो कृतवीर्य राजा ने स्वप्न में अपने पिता को देखा और कल भी हमारा यही कृतवीर्य राजा का चल रहा था। तो कृतवीर्य के पिता ने कहा कि मैंने ब्रह्मा जी से पूछा है कि मेरे पुत्र को संतानोत्पत्ति कैसे होगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा है कि यदि तुम्हारा पुत्र कृतवीर्य संकष्टी चतुर्थी का व्रत करे तो उसके सारे पाप क्षय हो जाएंगे और उसको पुत्र संतति प्राप्त होगी। पिताजी कहते हैं, पुत्र मैं तेरे लिए ब्रह्मा जी से विधि भी, और विधि हमने कल देखी संकष्ट चतुर्थी व्रत की विधि, तो किसने की थी? तो कहा कि
जब कार्तिकेय तीर्थ यात्रा के लिए घर से गए थे, वो सकुशल लौट आए, इसलिए पार्वती ने यह व्रत किया था। समुद्र पान करते समय अगस्त्य ऋषि ने यह संकष्ट चतुर्थी का व्रत किया था। नल को ढूंढने के लिए दमयंती ने यह व्रत किया था। इसका संदर्भ भी हमने कल लिया था, नल दमयंती का। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का हरण जब शंबर ने किया, तब अपना पुत्र प्रद्युम्न वापस लौट आए, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की प्रथम रानी रुक्मिणी जी ने यह व्रत किया था। भगवान कृष्ण के ही वंश में फिर आगे चलकर प्रद्युम्न का पुत्र अनिरुद्ध, उसका जब हरण कर लिया गया तो चित्रलेखा ने यह व्रत किया था। और ब्रह्मा जी कहें, और तो क्या बताऊं, यह सृष्टि करने से पहले जब मुझे स्वयं विघ्न आ रहे थे, तो मेरे विघ्नों को दूर करने के लिए भी मैंने ये संकष्ट चतुर्थी का व्रत किया था। कृतवीर्य के पिता ने जब स्वप्न में आकर कृतवीर्य को यह बताया, तो कृतवीर्य ने संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया और उसके वहां पुत्र जन्म हुआ। लेकिन बात ऐसी हुई कि जो विकलांग पुत्र है वो विकलांग जन्मा, हाथ पैर रहित था। उस बालक का नाम कार्तवीर्य रखा गया। ये कार्तवीर्य, कृतवीर्य का पुत्र कार्तवीर्य, संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से। 12 वर्ष का जब हुआ तो दत्तात्रेय मुनि वहां आए। राजा कृतवीर्य ने पूछा कि मेरा पुत्र ऐसे विकलांग के रूप में बिना हाथ पैर क्यों जन्मा? तो दत्तात्रेय ने कहा कि तुमने जब संकष्ट चतुर्थी का व्रत लिया, उस समय रात्रि का जागरण करते समय तुम्हें जम्हाई आ गई थी, और जम्हाई आई उसके बाद तुमने आचमन नहीं किया था, इसलिए यह बालक अंगहीन हुआ है। प्रिय सुजन, हमारे यहां एक कर्मकांड में परंपरा है, श्रेष्ठ बात तो यह है कि जब आप भगवान की पूजा कर रहे हो तब न जम्हाई आए, न अपान वायु छूटे, ऐसे कुछ शरीर के जो दोष हैं वो न होने चाहिए। हो सके तो भगवान की स्थापना है वहां से दूर चले जाइए, लेकिन अब ये आवेग ऐसे हैं, दे आर इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सिस बाय द बॉडी, आप रोक तो सकते नहीं आएंगे, तो कम से कम ये जब आ जाए उसके बाद आचमन कर लेना चाहिए। जम्हाई आए उसके बाद आचमन कर लेना चाहिए। और प्रथम दृष्टि से देखोगे तो आपको लगेगा क्या है इसमें, जम्हाई आ जाए तो आचमन कर लो क्यों, ऐसे उसमें कोई तुक नहीं दिखाई देता। लेकिन विज्ञान की परिभाषा में समझोगे तो पता चलता है, व्यक्ति को जम्हाई जब आती है, व्हाट डज इट शो? इट शोज कि शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। और तब जब पानी पीते हो तो आपके बॉडी का वाटर रिटेंशन जो है वो और ऑक्सीजन लेवल को आप फुलफिल कर रहे। कई बार ऐसा हो कि आप थके नहीं हो, निद्रा पर्याप्त हुई है आपकी, फिर भी कहीं पर आप बैठे हो और सब्जेक्ट बोरिंग हो, कोई मीटिंग ऐसी चल रही हो जिसमें बातें चल रही हो और आपको हा हा शुरू हो जाए, यदि उसको रोकना है तो एक उपाय है, आधा ग्लास पानी पी लो। जब पानी पी लोगे तो तुरंत आपका ऑक्सीजन लेवल आ जाएगा और उससे जम्हाई रुक जाएगी। तो इन शॉर्ट, पानी जब पीते हैं तो बॉडी को ऑक्सीजन मिलता है, एक फ्रेशनेस आती है, जल तो जीवन है ना, तो फ्रेशनेस देता है, नींद और या जम्हाई जो है बॉडी का वो रिएक्शन कम हो जाएगा। सच पूछो तो जब भी आपको बिना परिश्रम या तो बिना नींद के समय जम्हाई आ रही हो तो ये बॉडी आपका सिग्नल दे रहे हैं। इसका अर्थ आप सोने के लिए नहीं होती हमेशा, पानी पी लो थोड़ा सा, ये साइंस है उसके पीछे। तो कर्मकांड में भी अब देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को इसके पीछे की साइंस आप समझा नहीं सकते, समझाने का प्रयास करो तो सामने वाले की कितनी क्षमता है वो भी पता नहीं। लेकिन ये एक हमारे धर्म में क्या है कि वैज्ञानिक तथ्य जो हैं वो कर्मकांड के रूप में जोड़ दिए हैं,
और ऐसे जोड़ दिए कि व्यक्ति को जमा ही आई, अरे पूजा करते समय जमा, लाओ लाओ आचमन कर लो। आचमन करके, और आचमन का भी कितना जल चाहिए, वो भी है ना, आचमन का भी नियम है, ये मुद्रा है, करना है तो अभी कर सकते हो। ये छोटी फिंगर, अंगूठा और तीन उंगली ऐसे स्ट्रेच किए हुए अलग अलग। हाँ अमित भाई, ये अंगुली भी थोड़ी अलग, ऐसे लोगों को नहीं होगी, यदि अभ्यास नहीं होगा तो ये अंगुली अलग नहीं होगी। देखो मेरे कितनी अलग हो रही है ये डिस्टेंस, अमित भाई ने था ना तो ये, और जितना आप ये खींचोगे ये, उतना पाम के अंदर जो खड्डा है, पिट है, वो बड़ा होता जाएगा, और वो जो बड़ा हुआ उसमें भर सके, और पानी कितना, तो हमारे शास्त्रों में कहा है चणोठी, अलका बेन चणोठी ने सुख चणोठी, वो लाल वाला दाना था, चलू करने वो दाना आता है ना जो लाल, रेड एंड ब्लैक आता है, वो नहीं पता है चणोठी, चारोड़ी नहीं, चारोड़ी वो श्रीखंड के ऊपर डालते, वो नहीं चणो, उसका पेड़ होता है चणोठी, उसकी माला भी बनती है, संस्कृत में उसको गुंजा कहते हैं, गुंजा पुंजा भरण निचया चंद्रकाली किरीटी, ये तुमने खबर है कि नहीं, तुम्हें झारखंड ना दम तरी ले नदी खबर चणोठी ने सुख भाई, मराठी में देखा है सुनता गुंजा, तो हिंदी में भी गुंजा ही बोलते होंगे। चलो भाई ठीक है, मेरी ये विश्व भर के श्रोता जनों के लिए, गुजराती में चणोठी, मराठी में दे गुंजा, हिंदी में किसी को मालूम नहीं है यहां पर गुंजा गुंजा माला गुंजा क्यों होती ना, वो गुंजा रफली बताऊं, पी जो होता है ना अपना मटर, उसकी साइज का होता है वो दाना, वो दाना डूबे उतना जल इसमें आना चाहिए, और वो जल तीन बार पियो उसको कहते हैं आचमन किया, और इतना पानी जब शरीर में जाए तो आपका ऑक्सीजन लेवल को ठीक कर देता है आचमन। तब क्या करें, दत्तात्रेय ने उस बालक को एकाक्षर मंत्र गम का उपदेश किया, और उसका जप और अनुष्ठान करते हुए जब 12 वर्ष बीते, तो जिस तालाब के किनारे पर बैठकर वो जप कर रहा था, उस तालाब में से प्रवाल की मूर्ति में प्रकट होकर भगवान गणेश ने उसको दर्शन दिए, वरदान मांगने के लिए कहा, और ये बालक सुंदर दिव्य शरीर वाला हुआ। लिखा है इसमें कि भगवान गणेश स्वयं उसके उदर में प्रविष्ट हुए, जो भी अंदर बीमारियां थी वो सब ठीक कर दी, उसके दिव्य शरीर हो गए, और देवों ने इस बालक को, कार्तवीर्य को वरदान दिया कि तुम्हारा स्मरण जब कोई करेगा तो उसको खोई हुई वस्तु पुनः प्राप्त हो जाएगी। इसलिए परंपरा है कि जब कोई वस्तु खो जाए तो या तो आपने कहाँ रख दी है वो पता ना हो, याद आ जाए, या तो खोई हुई वस्तु मिल जाए, उसके लिए कार्तवीर्य का स्मरण करना चाहिए, तो वो प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार, और फिर जहां पर ये सब हुआ, ये प्रवाल की गणेश मूर्ति उसने वहीं पर स्थापित की, वह क्षेत्र प्रवाल क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ है, और ये जो ये प्रवाल क्षेत्र को फिर सादी भाषा में पावनी, प्रवाल का हो गया पावनी, और इसे कहा पावनी गणेश। तो ये क्षेत्र प्रवाल गणपति अतुल भाई पावनी गणेश के नाम से, देखिए दर्शन कीजिए, जाना जाता है, और उसका दूसरा नाम धरणीधर गणेश भी है, क्योंकि यहीं पर गणेश जी ने शेषनाग को
वरदान दिया था कि तुम 1000 मस्तक वाले बनोगे और पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण करने में समर्थ बनोगे। तो ये धरणीधर उनका दूसरा नाम है, पावनी गणेश। महाराष्ट्र में भंडारा जिले में ये स्थान है। यही स्थान, ये धरणीधर गणेश, आज हम बहुत तीव्र गति से वहां पर से गुजरेंगे, लेकिन पहली बार ये प्रसंग आया है 73वें अध्याय में, और 90वें अध्याय में भी, उपासना खंड के ही 90वें अध्याय में भी ये धरणीधर गणेश का संदर्भ वहां फिर से आता है। तो दर्शन हो गए जी, पावनी गणेश, धरणीधर गणेश, प्रवाल गणेश, मुंगे, प्रवाल अर्थात मुंगा, मंगल की जो हो तो उसके लिए मूर्ति आती है ना, वो पूरी मूर्ति उस पत्थर से, उस रत्न से बनी हुई है, प्रवाल गणेश। आगे चलते हुए ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं कि संकष्ट चतुर्थी का व्रत परशुराम ने भी किया था। कैसे? प्रसंग संक्षेप में कहूं कि सह्याद्री पर्वत में जमदग्नि मुनि का आश्रम था। जमदग्नि के पुत्र हैं परशुराम जी। परशुराम जी जब अभ्यास के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए नैमिषारण्य में गए थे, तब ये राजा कार्तवीर्य मृगया के हेतु भ्रमण करता हुआ, विचरण करता हुआ जमदग्नि ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। दो बार यह संदर्भ आया है, तीसरी बार यहां आता है कि राजा जब गया है तो स्वाभाविक उसके साथ पूरा पैराफर्नेलिया, सेना, सेवक इत्यादि सब होते हैं, और इतने सारे लोगों को बहुत कम समय में जमदग्नि ऋषि ने बहुत सुंदर स्वागत किया, भोजन, इतनी सुंदर आइटम, इतना स्वादिष्ट भोजन, ये सब कराया। तो कार्तवीर्य के मन में प्रश्न आया कि ये प्रबंध तो हम महल में भी नहीं कर सकते, इतने शॉर्ट टाइम में जमदग्नि ऋषि ने कैसे किया, पूछा। तो जमदग्नि ऋषि ने कहा कि हमारे पास कामधेनु गाय है, और वो कामधेनु गाय सारी इच्छाएं पूरी कर देती हैं, उनकी कृपा से हुआ है। कार्तवीर्य ने कहा यह कामधेनु गाय तो हमें चाहिए, हमारे महल में होनी चाहिए। ऋषि ने मना किया, तो कार्तवीर्य ने सैनिकों से कहा जबरदस्ती ले लो। दूत लोग जब कामधेनु गाय को खोलकर प्रयास करते रहे, जैसे ही वो कामधेनु को भी आक्रोश आया है, और कहा कि कामधेनु के क्रोध से ये कार्तवीर्य के सैनिक भस्म होते गए। कामधेनु के ऊपर जब दंड प्रहार किया गया, डंडे से मारने का प्रयास किया, तो कामधेनु के रोम में से शक और बर्बर उत्पन्न हुए, और उसके कामधेनु के चरण में से अलग अलग प्रकार के यवन उत्पन्न हुए, और उन सभी ने कार्तवीर्य की सेना का संहार कर दिया। कार्तवीर्य को इतना आक्रोश आया कि मेरी सेना पराजित हो गई, अब खाली हाथ तो जाऊंगा नहीं, जब कामधेनु चाहिए थी वो तो नहीं मिली, तो गुस्सा पूरा उसने जमदग्नि ऋषि को एक तीर मारा, उनको मार डालने का प्रयास किया, और जमदग्नि ऋषि की पत्नी रेणुका को 21 बाण मारे, क्षत विक्षत करके वो लौट गया। 21 बाण लगी हुई ये रेणुका ने अपने पुत्र, अपने समर्थ पुत्र परशुराम का जब स्मरण किया, तो परशुराम जी आ पहुंचे, पिता के देह में से बाण निकालने गए तो उनका तो शरीर शांत हो गया था। रेणुका देवी 21 बाण लगने के बाद भी उनके श्वास टिके थे, तो रेणुका देवी ने कहा कि कार्तवीर्य ने हमारे ये स्थिति की है, तुम इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियहीन करना। परशुराम ने माता से कहा, हाँ माँ तुम्हारी इच्छा है तो ये करूंगा, और दूसरा कहा कि दत्तात्रेय को बुला करके हमारा अग्नि संस्कार
उस स्थान पे करो जहां पर कभी किसी का दाह संस्कार न किया गया हो, ऐसे स्थान पर हमारा अग्नि संस्कार करो। परशुराम ने दत्तात्रेय जी को निमंत्रण दिया, माता पिता का दाह संस्कार किया। अब श्राद्ध तर्पण विधि जब चल रही है तो परशुराम जी ने दत्तात्रेय जी से बताया कि माता पिता की मृत्यु इस कारण से हो गई है, कार्तवीर्य के दुष्कृत्य की वजह से हुई है, और आपको निमंत्रण देने का भी हेतु यह था कि मेरी माता ने कहा था कि उनके ऊर्ध्वदेहिक जो कार्य है, अर्थात शरीर चले जाने के बाद की जो दशा, एकादशा, द्वादशा, त्रयोदशा, ऐसी इत्यादि जो विधियां हैं, वो दत्तात्रेय जी आपके सिवा कोई नहीं कर सकता। और दत्तात्रेय परशुराम जी के आश्रम में आए, दूसरे दिन से आगे के कृत्य वो संपन्न करते गए। मरण से लेकर के पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन जो विधि करनी होती है, हमारे यहाँ 10वां, 11वां, 12वां, 13वां अधिक प्रचलित है, लेकिन पहले दूसरे दिन की भी छोटी छोटी विधियां होती हैं वो करते थे। पांचवें दिन का कृत्य जब कर दिया और दत्तात्रेय गए कि अब कल छठे की विधि करने के लिए मैं आऊंगा छठे दिन की वापस, परशुराम जी बैठे थे, उनके पास एक व्याघ्र आया, टाइगर, बाघ आया। तो अचानक जब आ गया वो व्याघ्र, संबंध ऐसा होता है किसी भी पुत्र या संतान का कि अचानक कोई भय आ जाए, तो परशुराम जी ने ओ मां, हे मां ऐसा पुकारा। मां कह के पुकारा तो अपूर्ण शरीर वाली रेणुका जी वहां पर आई। मेरे पुत्र को आवश्यकता पड़ी। छठे दिन दत्तात्रेय जी जब आए और उन्होंने देखा अपूर्ण शरीर वाली रेणुका को, तो उन्होंने परशुराम से कहा कि ये पूरी विधि जब होती थी, सपिंडीकरण अर्थात त्रयोदशा की विधि भी जब हो जाती, और षोडश सपिंडीकरण करता, 16 दिन की जब विधि हो जाए, उसके बाद यदि तुम पुकारते तो रेणुका तुम्हारी माता पूरे शरीर के आती। अब आधे में तुमने पुकार लिया तो अपूर्ण शरीर वाली आई है। जमदग्नि तो ब्रह्मलोक में गए, लेकिन ये अपूर्ण शरीर वाली रेणुका देवी अलग 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 स्थानों में स्थित होकर के लोगों की मनोकामना पूर्ण करती है। प्रिय स्वजनों, महाराष्ट्र में इंटर में जाऊं, ये रेणुका देवी महाराष्ट्र में कई परिवारों की कुल देवी है, और जैसे देवी भागवत में कथा आएगी 51 जो शक्तिपीठ है माँ भगवती की, उसकी कथा में भी जाता ना, दक्ष यज्ञ में जो सती गई थी और उनका देह लेकर के भगवान शिव जी ने तांडव की ओर, देह के टुकड़े जहां जहां भी गिरे अंग, वहां पर एक एक शक्तिपीठ बनती गई। ऐसे रेणुका देवी की भी शक्तिपीठ महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये दो इस एरिया में रेणुका देवी की उपासना प्रतिष्ठित है, और उनकी मूर्ति यदि देखोगे तो वो अपूर्ण मूर्ति होती है, लेकिन लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। रेणुका देवी से परशुराम जी पूछते हैं कि मां, आपने मुझे कहा कि पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियहीन करो, मैं कैसे करूं? तो रेणुका देवी ने कहा, थोड़ी सी देर है अभी। हाँ, ये रेणुका देवी का स्वरूप है। अच्छा, देखिए आधा शरीर है, हाथ नहीं है, और ये महाराष्ट्र में ही आपको मिलेंगे ये स्वरूप। रेणुका देवी ने परशुराम से कहा कि तुम भगवान शंकर की आराधना करो। परशुराम ने कैलाश में जाकर के भगवान शंकर की स्तुति की है। शिवजी ने परशुराम को षडक्षर मंत्र का उपदेश किया और कहा कि इसका जप करो, जप का दशांश होम, उसका दशांश तर्पण और उसका दशांश ब्रह्म भोजन कराओ। परशुराम ने कृष्णा नदी के उत्तरी तट पर भगवान शंकर ने जो बताया था तदनुसार गणेश जी की आराधना की। गणेश जी प्रकट हुए और
परशु उनको आशीर्वाद के रूप में दिया, इसलिए ये जमदग्नि के पुत्र परशुराम के नाम से जाने लगे। और सबसे पहले उन्होंने कार्तवीर्य को बुलाया और फिर जो युद्ध शुरू हुए, पृथ्वी को 21 बार उन्होंने क्षत्रिय हीन किया है। व्यास जी ने पूछा ब्रह्मा जी से कि ये परशुराम जी ने तपश्चर्या कहां पर की थी, तो ब्रह्मा जी कहते हैं परशुराम ने तपस्या की है मयूरेश्वर में, मयूरेश्वर क्षेत्र। प्रिय स्वजनों, ये मयूरेश्वर क्षेत्र भी अत्यंत प्रचलित है। अष्टविनायक में मयूरेश्वर की तो इतनी बड़ी महिमा है और मयूरेश्वर से के नाम से ही विशेष करके महाराष्ट्र में लोगों का नाम, गुजराती हिंदी में मयूर नाम रखते हैं, लेकिन मयूरेश्वर से मोरेश्वर और वो करके नाम महाराष्ट्रीयन लोगों में अधिक प्रचलित है। तो अतुल भाई, मयूरेश्वर के दर्शन यदि आप करा सके, ये मयूरेश्वर का मंदिर है, मयूरेश्वर की आराधना हुई। इसी प्रसंग में ये हाँ मोरगांव, देखिए मयूरेश्वर प्रसंग मयूर मोर तो मोरगांव मयूरेश्वर के। पहले के समय में इसकी भी कथा है, मुद्गल पुराण में भी है कि गणेश जी ने मयूर पर आरूढ़ होकर के कमलासुर नाम का जो राक्षस था कमलासुर, उसका वध किया था। ये भी स्थान था। इसी प्रसंग में तारकासुर भी की कथा भी आती है कि तारकासुर ने तप किया, ब्रह्मा जी ने वरदान तो दे दिया कि देव मनुष्य मानव असुर यक्ष गंधर्व किन्नर कोई भी तुम्हें मार नहीं सकेगा, लेकिन भगवान शंकर का पुत्र स्कंद कार्तिकेय उसके हाथों से तुम्हारी मृत्यु होगी। अब ये जब कहा गया, ये प्रसंग बना, वो स्थिति ये थी कि भगवान शंकर की अर्धांगिनी सती ने अपने पिता दक्ष के वहां यज्ञ में जाकर के देह का विलोपन कर दिया था। ये कथा श्रीमद् भागवत में है, रामचरितमानस में, आप सब जानते हैं। और सती ने जब आत्मविलोपन कर दिया, उसके बाद भगवान शंकर तो तपश्चर्या में बैठ गए थे और यहां आकाशवाणी होती है कि ये तारकासुर को कौन मारेगा, शिव पार्वती का पुत्र स्कंद मारेगा। अभी तो शिव पार्वती का विवाह भी नहीं हुआ है, कैसे होगा, पहले तो विवाह कराना चाहिए। सारे देवता भगवान शंकर के पास गए हैं, अब शंकर भगवान तो समाधि में बैठे हैं, भगवान शंकर की समाधि जल्दी से पूरी नहीं होती, तो समाधि का भंग कराना चाहिए। कामदेव को यह काम सौंपा है। प्रसंग आप जानते हैं, कामदेव ने विविध बाण छोड़े, बहुत सुंदर बात, यह भी सब रामचरितमानस के बालकांड में प्रसंग है कि सब तरह काम फैल गया है, लेकिन जब कामदेव ने ये लीला की, भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्मीभूत कर दिया। कामदेव तो भस्मीभूत हुआ लेकिन समाधि तो टूटी। देवताओं ने फिर कहा, प्रभु शंकर पार्वती जी प्रतीक्षा कर रही है, केवल पार्वती जी नहीं पूरे देवगण प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि आप यदि ये संबंध में आगे बढ़ेंगे तो तारकासुर मरेगा, नहीं तो अभी तो तारकासुर से समग्र विश्व कष्ट में है। पार्वती ने एक भिलनी के रूप में शिव जी को आकर्षित किया है, वो भी बहुत सुंदर प्रसंग है, शिव पुराण में आएगा तब उस पर अधिक डिटेल में चिंतन करेंगे। तो और उसके ऊपर कालिदास ने भी बहुत सुंदर नाटक किया। शिव पार्वती का विवाह हुआ, पुत्र स्कंद का जन्म हुआ,
और तारकासुर को मारने से पहले भगवान शंकर ने अपने पुत्र स्कंद से कहा कि तुम गणेश की आराधना करो। हाँ, तो गणेश तत्व, यहां पर फिर ये स्कंद अपने भाई की पूजा करो ऐसा नहीं है, गणेश तत्व की आराधना करो, जो पहले हमने स्पष्टता की है। वरद चतुर्थी व्रत के बारे में बताया है, स्कंद ने ये सब किया और गणेश जी प्रसन्न हो गए। तो गणेश जी ने अपना मयूर, जो मयूरेश्वर गणपति हैं, वो अपना मयूर वाहन कार्तिकेय को दिया, स्कंद को दिया। तब से कार्तिकेय मयूर ध्वज के नाम से जाने जाते हैं। आज हम जो देखते हैं कि कार्तिकेय का वाहन मयूर है, वो मयूर बेसिकली गणेश जी के द्वारा प्रदत्त है। और स्कंद ने जहां गणपति की स्थापना की, मूर्ति की, वो लक्ष्य विनायक के नाम से जाना जाता है। व्यास जी ने ब्रह्मा से पूछा कि काम का दग्ध हो गया तो फिर वो दिखाई कैसे पड़ता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि कामदेव भस्म हो गया तो उसकी पत्नी रति ने जाकर के भगवान शंकर की स्तुति की, मेरे पति का क्या दोष, मेरे पति तो देवताओं का कार्य कर रहे थे, मेरे पति का कोई हेतु नहीं था कि प्रभु आपकी समाधि को भंग करें, लेकिन देवताओं ने, और देवताओं ने भी ये काम क्यों किया, क्योंकि तारकासुर को मारना था, समग्र विश्व पीड़ित था उससे, उस विश्व की समस्या दूर करनी थी। भोलेनाथ ने ये सब पूरी बात सुनी, कहा ठीक है चलो, तुम जब स्मरण करोगी तो तुम्हारा पति शरीर धारण करके तुम्हारे पास आएगा, तो तुम्हारा तो सौभाग्य अखंड रह गया। और लोगों की बात करें तो द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में कामदेव अवतार धारण करेंगे, तो भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के प्रथम पुत्र जो है प्रद्युम्न जी, वो कामदेव के अवतार हैं। ये पूरी कथा बताई है और जनस्थान कहा, यही स्थान है जिसमें रामायण काल में लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नासिका का छेदन किया, इसलिए वो स्थान नासिक के नाम से जाना जाता है। और ये स्कंद की तपश्चर्या का प्रभाव कहो, ये आज भी वहां उस क्षेत्र में, ये जनस्थान में मोदक के आकार के पत्थर दिखाई पड़ते हैं। अब तो इतना डेवलपमेंट हो गया कि ऐसे प्रदेश भी दिखाई नहीं पड़ते। ये जब प्रसंग मैंने पढ़ा तो मुझे याद आ गया, रामायण काल की घटना है, भगवान हनुमान जी जहां प्रकट हुए हैं आंजनेय, पंपा सरोवर का जो विस्तार है वो, क्योंकि मैंने वहां कथा की है, मैं 9 दिन वहां रहा हूं, वहां पर इतने सुंदर पत्थर हैं, पर्वत के ऊपर एकदम गोल गोल, मतलब स्फेरिकल, जैसे कोई फैक्ट्री में बनाए गए हो, और बिल्कुल कुदरती है, जहां भी आपकी दृष्टि पड़ेगी ऐसे पर्वत के शिखर पर, शिखर ऐसा जाएगा और फिर उसके ऊपर इतना बड़ा गोल पत्थर जैसे किसी ने रख दिया हो, और ये पूरी की पूरी बात बिल्कुल कुदरती है, यूनेस्को की प्रिजर्व्ड साइट है ये, और विश्व में कहीं भी ऐसा आपको देखने नहीं मिलेगा। कर्नाटक में हॉस्पेट्स से थोड़े दूर अंदर जाकर के प्रभु की ऐसी कृपा होती है। धनबाद का एक परिवार, गुजराती परिवार, वोहरा सरनेम उनकी, गुजराती परिवार, बड़े धार्मिक, मां लक्ष्मी की भी बहुत कृपा उनकी, आयन ओर्स, लोहे की खदान थी, मैं बात कर रहा हूं 15-20 वर्ष पहले की। दो भाई बड़े बुजुर्ग थे, अब तो 100 वर्ष के हो, प्रभु से प्रार्थना करूं, लेकिन उस समय उनकी आयु 75-80 के ऊपर थी। प्रभु की बहुत कृपा, लक्ष्मी और लक्ष्मी का सदुपयोग करना भी जानते थे। संपर्क किया और उनको ऐसी प्रेरणा मिली थी भगवान के पास या कहीं किस तरह से कुछ, कहते हैं आपकी कथा, राम कथा,
पंपा सरोवर के तट पर करनी है। सब आयोजन आप करो, जितना भी खर्च होगा वो उसकी चिंता नहीं है कोई, लेकिन आपके स्वयंसेवक सत्कर्म, क्योंकि आपके भक्तजन हर सब जगह पे होते हैं, तो सत्कर्म परिवार की टीम के द्वारा आयोजन हो। हम तो धनबाद में रहते हैं, कलकत्ता में उनका घर है दूसरा, वहाँ कलकत्ता के घर में तो मैं गया भी था, वहाँ कलकत्ते में कथा थी तब। लेकिन पूरा आयोजन आप करो, हम केवल आ जाएंगे अगले दिन, कथा श्रवण करेंगे 9 दिन और फिर बस। मैंने कहा आप गए हो कभी? कहते हैं गए नहीं है, लेकिन हमें प्रेरणा मिली, कोई प्रभु का आदेश उनको हुआ था, किस तरह से, वह सब मैं भूल गया हूँ अभी, या तो कुछ स्वप्न में देखा था या तो किसी विद्वान ने उनकी कुंडली देखे, लेकिन किसी तरह ऐसा उनको आदेश हुआ था कि भूपेंद्र भाई पंड्या की कथा पंपा सरोवर के तट पर उनको करनी है बस। तो नाम भी ढूंढ के हुए आए वो, कि आप पहले तो मेरा कॉन्टेक्ट किया, फिर मैंने कहा कहे गए हो आप पंपा सरोवर? कहा नहीं गया, मैं भी नहीं गया था, न उनको पंपा सरोवर पता, न मैं कभी गया था। कार्यकरों की मीटिंग ली भी पंपा सरोवर, किसी को पता नहीं था मुंबई में जो अपने कार्यकर उस समय के। अब करे क्या, करनी तो थी, क्योंकि मुझे भी आकर्षण था पंपा सरोवर में राम कथा पंपा सरोवर के तट पर करना है। कर्नाटक में है तो बेंगलोर के अपने वॉलंटियर से पूछा, बेंगलोर में अपनी टीम है सत्कर्म परिवार के कुछ लोग, क्योंकि वहां कथाएं हुई है। कहते हम लोग भी नहीं गए, हमने सुना है कि है लेकिन गए नहीं हम कभी तो पर। और वो कहते हैं वो तो पूरा जंगल का एरिया है, वहां कोई रहता नहीं है, टोटली अनडेवलप, कुछ नहीं है वहां पर। उनका करनी तो है कथा, ढूंढो वहां से सबसे समीप का स्थान कौन सा है। कहते हॉस्पेट है और वो पंपा सरोवर से 1 घंटा दूर है गाड़ी में, वो सबसे समीप का स्थान वो है। मैंने कहा हाँ, कोई गुजराती राजस्थानी कर्नाटक के लोगों को तो स्थानिक लोगों को हम पहचानते नहीं है, भाषा की भी समस्या आती है। मैंने कहा कोई गुजराती राजस्थानी परिवार कोई ऐसे? कहते हमारे कांटेक्ट में, बेंगलोर वालों ने तो प्रणाम कर दिया कि हम आएंगे कथा सुनने के लिए, लेकिन बेंगलोर से तो बहुत दूर पड़ता है तो कर नहीं सकते। नाम मिला हॉस्पिट, वो भी पहली बार सुना कि हॉस्पिट नाम का कोई शहर भी है भारत में। अब क्या करें, एक प्रभु ने प्रेरणा दी बत्ती। हमारे गुजरातियों में एक कम्युनिटी है कच्छी कड़वा पाटीदार, और वो कम्युनिटी, उनका दो बिजनेस, तो फार्मिंग करते हैं, एग्रीकल्चर है, और दूसरा उनका बिजनेस है सॉ मिल, लकड़ी की जो दुकान। और ये कम्युनिटी पूरे भारत में फैली हुई है। उस कम्युनिटी की कुछ परिवारों में मैंने कथा की थी तो मुझे पता था कि ये लोग सब जगह फैले होते हैं, कहीं भी आप जाओ 100 मील देखो तो आंख बंद करके उस घर में प्रवेश कर जाना, जय श्री कृष्ण करके गुजराती में बात शुरू करना, और बड़े अच्छे लोग हैं वो। अब तो ठीक सब प्रबंध सब जगह पे हो गया, नहीं तो गुजरात महाराष्ट्र से बाहर निकलो तो गुजराती चाय नहीं मिलती थी। हमारे गुजराती लोगों को, मैं तो कभी चाय चखी नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन वो गुजराती मसाले वाली एकदम कड़क जो चाय मिलती है वो नहीं मिलती थी लोगों को। लेकिन ये कहीं पर जाओ, जैसे अमेरिका में ऐसे कहा जाता है कि कोई भी मोटेल देखो तो चले जाओ, वो पटेल की होगी, तो ऐसे पूरे भारत में आप कहीं भी जाओ ये 100 मील इन लोगों की होगी। मैंने कहा उनसे कहो कुछ प्रभु हो जाएगा, और प्रभु की कृपा 1-2 परिवार परिचित मिले, उसमें मुझे नाम भी याद है रामजी भाई पटेल और उनकी श्री राम 100 मील, तो उनसे जाकर के संपर्क किया बेंगलोर के अपने कार्यकरों ने कि ऐसी कथा करनी है राम कथा और पंपा सरोवर के तट पर करनी है। वो भी अब कहते हैं हॉस्पिट में यदि करनी हो तो हम कर लें, लेकिन पंपा सरोवर यहां से 1 घंटा दूर और वहां कुछ नहीं है। अब तो छोटी सी धर्मशाला उस कथा के बाद में बन गई, कुछ 6-8 कमरों की, बहुत वहीं के स्थानिक लोगों ने सुंदर रूप से बनाई, ली तो कुछ नहीं था, न रहने का प्रबंध, न बिल्कुल जंगल जैसा। मैंने कहा जंगल में मंगल करना पड़ेगा रामजी भाई, और
फाइनेंशियल सपोर्ट पूरा उनसे था, इसलिए हो सका, नहीं तो ये बोहरा परिवार की ओर से, नहीं तो वो भी नहीं होता था। मेरे जीवन की अत्यंत स्मरणीय कथाओं में से एक है वो। हमारा निवास और ये मुख्य यजमान परिवार हॉस्पिटल में थे, किसी होटल में, बाकी सब लोग वहीं पर रुके थे। हमारे जो उस वक्त संगीतकार थे, ब्राह्मण थे, सब लोग, भोजन भी वहीं पर और वहीं खुले में बनाया जाता था, दक्षिण भारतीय स्टाइल का। इसमें एक अधिक सुंदर बात यह है, विषय निकला है तो बता दूं, राम जी मैं बहुत इन्फ्लुएंशियल, वहां सबको जानते थे और बड़े सात्विक व्यक्ति, ये लोग शरद भाई ने भी उड़के, आलोक कुमार त्या बात थी ना, ले शरद भाई ने भी उड़के, हाँ एम चले। तो ये तो मैं तो 20 साल पहले की बात कर रहा हूं। एक बहुत मुझे याद रह गया, अब कौन ले आया था, कैसे आया था मुझे पता नहीं, लेकिन पहले दिन दीप प्रागट्य के लिए वहां पर, गणेश पुराण में भी संदर्भ है, विजयनगर जो हॉस्पिटल के, वो सीरिया का बड़ी प्राचीन रॉयल फैमिली विजयनगर, और वो एम्पायर, आप इतिहास पढ़ोगे तो पता चलेगा विजयनगर एम्पायर, इसकी महत्ता समझाने के लिए केवल एक बात आपसे कहूं, छत्रपति शिवाजी महाराज को हिंदू स्वराज्य स्थापना की प्रेरणा जहां से मिली थी वो विजयनगर एम्पायर। उन्होंने वो देखा कि ऐसे हो सकता है, और विजय इतना समर्थ था, वो इतना संपन्न था कि यवन लोग, ये मुगल लोग वहां पहुंच नहीं पाए, और पहुंचने का उन्होंने प्रयास भी किया तो उस पूरे प्रदेश में कभी वो विजयी नहीं हुए, कभी किसी को धर्म परिवर्तन नहीं करा पाए। अब डेमोक्रेसी में जाकर कोई वहां लोग घुस गए होंगे तो मुझे पता नहीं, लेकिन प्राचीन काल से औरंगजेब वहां पर पहुंच ही नहीं पाया, और उसके राजा कृष्णदेव राय विजयनगर एम्पायर के बड़े प्रभावी, आप गूगल करना उसमें नाम आएगा, कृष्णदेव राय विजयनगर एम्पायर, इतना समर्थ है एम्पायर वो। तो उस रॉयल फैमिली के, वो कृष्णदेव राय राजा के वंशज, उनके पुत्र, और 47 में जो आजादी मिली और सब राजा चले गए, उसके पहले तक वहां के राजा थे वो महाशय, उनका नाम भी कृष्णदेव राय था। रॉयल फैमिली में ऐसा होता है, हर तीसरी चौथी पीढ़ी में वो कृष्णदेव राय फर्स्ट, कृष्णदेव राय सेकंड, कृष्णदेव राय थर्ड, ऐसा करते हैं। तो ये भी जो थे महाशय, वो कृष्णदेव राय, वो दीप प्रागट्य के लिए आए थे, आए बैठे, प्रभु की कृपा, कथा श्रवण की। अब उनकी फर्स्ट लैंग्वेज तो हिंदी है नहीं, कथा हिंदी में थी, उनकी तो मातृभाषा कन्नड़ है वहां की, तो बैठे, लेकिन उनको इतना आनंद आया, उनके सब वो बॉडीगार्ड, उनके सेवक लोग, कहा होगा कि आधे पौने घंटे में निकलेंगे तो इशारा कर रहे थे, लेकिन वो कैसा कहते थे, जा तू चला जा। पूरी कथा श्रवण की, फिर आकर आरती में जो उनको बुलाया तो मुझे कहते थे कि हिंदी, और वो टूटी फूटी में, कैसी इतनी हिंदी अच्छी हमको आती नहीं है, लेकिन आपकी कथा में बहुत आनंद आया, और मैं तो जाने वाला था लेकिन फिर भी रुक गया, तो फिर मैंने कहा चलो प्रसाद भी मेरे साथ में ही पालो, और वहीं पर बना था सब, तो साथ में बैठे, इतना उनको भी आनंद आया। दूसरे दिन, तीसरे दिन आए कथा श्रवण करने के लिए, तीसरे दिन व्यासपीठ पे परिक्रमा करते समय आके पूछते हैं कि आप यहाँ पर कुछ देखा, मैंने कहा हॉस्पिटल से इधर आते जाते गाड़ी में जो दिखता है उतना देखता हूँ, बाकी तो कुछ पता नहीं। तो कहते हमारे यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें देखने जैसी है, तो आपके पास समय हो तो मैं ले चलूं आपको। मैंने कहा समय ही समय, कथा के सिवा और करना क्या है यहाँ पर, तो और जंगल था तो ऐसा भी नहीं कि चलो पधरामणी करने जाना है या परिवारों में से कोई बुलाने आता है, कुछ नहीं था, मैं तो ले जाता हूँ। वहाँ के पूरे स्थान उन्होंने बताए। पांचवें दिन तो मैंने मजाक में उनसे कहा भी कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, भगवान राम की कृपा देखो, राजा मेरा ड्राइवर और गाइड बन के घूम रहा है। और मुझे पता इतना चला अमित भाई, गांव में जब इंटीरियर में हम जाते थे, वहां की जो प्रजा है, राजा है, राजा है, क्योंकि लोगों को इतना आदर उनके प्रति, उतने धार्मिक और उतने सम्मान प्रजा में, उतना राजा को, और स्थानीय प्रजा तो उनको राजा के रूप में देख रही। हम्पी के मंदिर देखने गए,
नाम यदि आपने सुना हो हम्पी, अभी तो रुइंस हैं, लेकिन वो जो उन्होंने दिखाया है मुझे इसमें, हाँ अरे वाह, तो ये हम्पी, ये प्रिय स्वजनों, ये हम्पी के मंदिर में एक स्थान ऐसा है कि पिलर्स हैं और वो पिलर पत्थर के हैं, लेकिन उस पिलर के ऊपर यदि आप ये ठोकोगे तो हर एक पिलर में से अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का स्वर आता है, किसी में से तबला, किसी में से पखावज। अब तबला पखावज भी समय, ये भी अपने आप में एक महानता है, लेकिन कुछ कुछ पिलर ऐसे हैं जिसमें से स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, संतूर की आवाज, पत्थर के पिलर में से संतूर की आवाज आवाज आती है ऐसे। अब मुझे बताया कि ये ऐसे पिलर हैं, तो मैंने कहा सुन सकते हैं, कहते नहीं बंद कर दिया है वो, तो क्योंकि अपनी प्रजा, सबको पता चले तो जो ग्रुप में जाते हैं जाके ठोक ठोक करके अंदर, वो सब लोग करते थे, उसको नुकसान होने लगा था। कुछ लोग तो वो ठोक ठोक करके ऊपर अपना नाम भी लिखते थे वापस, पब्लिक प्लेसेस में ऐसा होता है, वो सब न हो इसलिए वहां पर लोगों को स्पर्श करने भी मना कर दिया था। तो अब नहीं बे, मैंने कहा आप साथ में हैं और एकाध भी यदि मिले तो आनंद आएगा पता चले। उन्होंने कहा ठीक है, किसी को अपनी कन्नड़ भाषा में कहा कि जा उसको बुला के लिया, पास के गांव में वो आदमी को इस मोटरसाइकिल पे गया और किसी को ले आया, और उस पिलर्स में से अलग 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 जो म्यूजिक उसने प्रकट किया, ये मेरे जीवन के अत्यंत मेमोरेबल क्षण। राजा जब गाइड बन के साथ में हो, नहीं तो वो किसी को नहीं वो लाभ मिलता है, लेकिन उन्होंने करवाया। और आज भी मैं जब ये वर्णन कर रहा हूं तो मुझे याद आ रहा है कि वो पत्थर के पिलर में से कैसे संगीत के सुर प्रकट हो रहे थे। ये कृष्णदेव राय अतुल, एक बार फिर वो मंदिर हम्पी का अद्भुत मंदिर है वो, ये स्थान, ये भी विश्व की, आप देखो देखो पूरा प्रदेश कितना, कोई दूर दूर तक आपको मकान नहीं दिखता है, ये सब ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये आता है। अब तो वहां पूजा नहीं होती, मंदिर के अंदर मूर्तियां भी नहीं है, वो सब ये हो गया, लेकिन उसकी आर्किटेक्चर और कोतरणी जो कहते हो ना, नकाशी, ये नकाशी, और इतना सुंदर है वो, कहां से आई ये बात, हाँ बड़े बड़े पत्थर। तो इस स्थान पे अतुल भाई मिला आपको वो पत्थर, मिले वो साइट होगी। उसमें एक दूसरी बात थी, एक घंटा जो हॉस्पिटल से जाने हुए लगता था, क्योंकि एक नदी थी बीच में, नदी को इतना हमें घूम के आना पड़ता था, ड्राइवर के साथ बात हुई तो पता चला, मैंने कहा ब्रिज बना दो, कहते नहीं बना सकते क्योंकि यूनेस्को की प्रोटेक्टेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो वो नदी में से क्रॉस भी करना हो, गोल प्रकार की नौका, मैंने जीवन में पहली बार वहां देखी, फिर तो साउथ इंडियन मूवीज में ऐसे दिखाई पड़ती है, गोल छाबड़ू के भी हुए ऐसी सर्क्यूलर नौकाएं, उसमें दो या तीन लोग बैठ सकते हैं, तीन चार लोग, ऐसी नौका में वो सब जाते थे, नदी क्रॉस करते थे वो, फिर मैंने वो भी लाभ लिया बैठा एक, लेकिन वो पूरा इतना घूमना पड़ता था। और भगवान श्री हनुमान जी का जन्म स्थान वहां पर है, अंजनी पर्वत कहते हैं, और बहुत ऊपर कई साहब तो डेवलपमेंट हो गया, तो बहुत सारे स्टेप्स और ये सब व्यवस्थित बनाया गया है, और काफी स्वच्छ भी था, ऊपर जाके हनुमान जी का जन्म स्थान है। और वो पूरा प्रदेश आप देखो, ऐसे बोल्डर्स, मतलब एग्जैक्ट सर्कुलर बॉल कैसा होता है, ऐसे पत्थर के बॉल स्फेरिकल, परफेक्टली स्फेरिकल बनाए हुए सब पर्वत। नाम नहीं दूंगा, अपनी एक सत्कर्म परिवार के संबंधित स्वजन की एक पुत्री उस वक्त मेरे साथ में थी, उसके जीवन में कुछ ऐसी घटना हो गई थी, तो मैंने कहा बेटा चलो साथ में वहां राम कथा सुनना मेरे साथ 9 दिन रह करके। तो वो थी मेरे साथ ही गाड़ी में आती थी, और ये मैंने उसको दिखा है,
वो कहती है कि अब तो वो डॉक्टर हो गई है, उसका विवाह भी हो गया, पुत्री भी उसकी 15-16 वर्ष की होगी, नाम पुत्री का नाम भी मैंने दिया और यहीं आसपास में ही कहीं पर रहती है वो। हाँ यहीं आसपास में है अनिल माइता दुला। तो वो थी, मुझे कहती है गुरुजी यहाँ अर्थक्वेक आएगा तो क्या होगा, मेरा चुप बोल मत, भूकंप यदि आए ये बोल्डर सब कैसे गिरेंगे। मैंने कहा बेटा बोल मत ऐसी अशुभ बातें। तो इतनी सुंदर स्थान, यहां पर ऐसा लिखा है कि वो नासिक क्षेत्र में उपासना स्कंद ने वहां की, तो शेषनाग ने जो गणेश जी की उपासना की वहां आज भी मोदक के आकार के पत्थर मिलते हैं जनस्थान में। और मैंने जो कहा था 90वें अध्याय में फिर से ये संदर्भ आता है कि ये धरणीधर नाम व्यालबद्धोदर जो हमने कल नाम दिया वो यहां पर भी संबद्ध आता है कि उदर के ऊपर सर्प बांधे हुए गणेश जी व्यालबद्धोदर गणेश कहलाते हैं और धरणीधर भी उनका नाम है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ में कश्यप ऋषि से मैंने कहा था कि प्रजा का विस्तार करो, तो कश्यप ने अपनी पत्नी दीति अदिति दनु कद्रु विनता इन सभी के साथ रमण किया और इन पत्नियों ने, दीति ने जो जन्म दिया वो दैत्य कहलाए, अदिति ने जिनको जन्म दिया वे आदित्य देव कहलाए, दनु ने जिनको जन्म दिया वे दानव कहलाए, ऐसे कद्रु ने फिर किन्नर यक्ष सिद्ध गंधर्व चारण पशु पक्षी सभी प्रकार की योनियां उत्पन्न हुई। कश्यप ने अपने सभी संतानों से गणेश जी के उनकी अधिकार के अनुसार, किसी को एकाक्षर मंत्र, किसी को षडक्षर मंत्र, किसी को अष्टाक्षर मंत्र, ऐसे मंत्र प्रदान किए और गणेश जी ने उन सभी को अभिष्ट वरदान प्रदान किए हैं। तब देवों ने गणेश जी का नाम रखा सुमुख। ये जरा ध्यान से सुनना, ये प्रकरण महत्वपूर्ण है। देवों ने गणेश जी का नाम रखा सुमुख। मुनियों ने उनका नाम रखा एकदंत। गंधर्व किन्नरों ने गणेश जी का नाम रखा कपिल। गुह्यक चारण और सिद्धों ने श्री गणेश का नाम रखा गजकर्ण। मनुष्यों ने गणेश जी का नाम रखा लंबोदर। श्वापद अर्थात वन के जो हिंसक पशु होते हैं उन्होंने गणेश जी का नाम रखा विकट। जलाशय पर्वत और वृक्षों ने, जलाशय नहीं यहां पर, केवल पर्वत और वृक्षों ने जो नाम रखा वो विघ्ननाशक। पक्षियों ने नाम रखा गणाधिप। विषधर जो थे उन्होंने नाम रखा धूम्रकेतु। जलाशयों ने नाम रखा गणाध्यक्ष। कृमि कीटक वनस्पति आदि ने नाम रखा भालचंद्र। और अन्य जो सचेतन प्राणी थे उन्होंने नाम रखा गजानन। ये 12 जो नाम हैं गणेश जी के अति प्रसिद्ध हुए। और कहा ऐसे तो गणेश जी के सहस्रों नाम हैं, हजार नाम हैं, लेकिन इनमें ये 12 नाम अत्यंत प्रमुख हैं। और इन 12 नामों का जो व्यक्ति प्रातः काल उठकर स्नान करके शुद्ध होकर के स्मरण करता है उसके सारे अभीष्ट कार्य सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं और अंत में वो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। इसलिए नारद जी ने इसको संकट नाशन गणेश स्तोत्र कहा है
और गणेश पुराण में भी ब्रह्मा जी इस स्तोत्र का पाठ करते हैं। बहुत छोटा अनुष्टुप छंद का, लेकिन ये बहुत पवित्र है और आपकी श्रद्धा है इसलिए मैंने रोका। ये द्वादश जो नाम का स्तोत्र है गणेश पुराण के आधार पे, नारद जी ने जो कहा वो तो प्रसिद्ध है, हम सब जानते हैं, वही श्लोक हैं, केवल अंत में एक दो श्लोक थोड़े अलग हो जाते हैं। एक एक चरण मैं बोलूंगा, मेरे बाद में आप लोग। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिपः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव। बहुत लोग इसमें भूल करते हैं। मैं जब अब कोई भी पूजा भी करने बैठोगे ना तो ब्राह्मण लोग शुरुआत में सुमुखश्चय के दंतश्चय कपिलो गजकर्ण का लंबोदरश्चय विकट बोलते हैं। अभी जो कहा ना, मैं स्पष्ट कहा मैंने, संग्रामे संकटे चैव। लोग क्या बोलते हैं, संग्रामे संकटे चैव, ये श है ही नहीं इधर। श होने के लिए विसर्ग होना चाहिए, संकटे हे नहीं होता है, संकटे हे होता व्याकरण की दृष्टि से, तो चाहे शैव बोलते, वो शैव गलत है। संग्रामे संकटे चैव, संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते, विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवम् शशिवर्णं चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये कोटिकन्याप्रदानानि कोटियज्ञव्रतानि च तपांसियानि सर्वाणि तीर्थान्यायतनानि च। कोटि कन्या प्रदानानि, एक कन्यादान का भी पुण्य शास्त्रों में इतना लिखा है, कोटि कन्यादान करो, कोटि यज्ञ व्रतानि च, एक करोड़ यज्ञ करो, एक करोड़ व्रत रखो, तपांसी एक करोड़ तप करो, सर्वाणी तीर्थान्यायतनानि च, विश्व में जितने भी तीर्थ हैं वो सारे तीर्थों की यात्रा कर लो, फिर भी स्वर्ण भार सहस्राणी कोटिदानानि यान्यपि कृच्छ्राणि तप्त कृच्छ्राणि पराकेन्दुव्रतानि च शतांशमेषां पुण्यस्य तानि नाम्नां नयान्ति च इमानि प्रातरुत्थाय शुचिर्भूत्वा समाहितः यः पठेन् मानवो भक्त्या विघ्नान् नो यान्ति तन्नरम्
सिद्ध्यन्ति सर्वकार्याणि मोक्षमन्ते व्रजत्यसौ। तो ये कोटि यज्ञ करो, कोटि कन्या दान करो, बड़े बड़े स्वर्ण भार सहस्राणी, हजारों भार स्वर्ण, एक भार अर्थात 20 तोला, ये पुराने समय का वजन है, यूनिट है। हाँ, जांबवंत की कथा में आता है श्रीमद् भागवत में, सूर्य नारायण का मित्र था तो उसको सूर्य की कृपा से स्यमंतक मणि मिला था और सत्राजित को रोज 8 भार सुवर्ण मिलता था, 8 भार अर्थात 160 तुला। उससे उतनी संपत्ति द्वारिका में, आप सोचो। तो यहां तो लिखा है स्वर्ण भार सहस्राणी, हजारों भार सुवर्ण का दान करो, फिर भी ये स्तोत्र का जो पाठ करता है उसको जो पुण्य प्राप्त होता है उसका तो वो शतांश भी नहीं है, 100वां हिस्सा भी नहीं है, इतनी इस स्तोत्र की महिमा है और व्यक्ति अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। ऐसा कहकर इति श्री गणेश पुराण उपासना खंडे ब्रह्म व्यास भृगु सोमकांत संवादे गजानन नाम निरूपणं नाम 92वां अध्यायः। इति श्री गणेश पुराणे उपासना खंडम समाप्तम, श्रीमद् गजाननार्पणमस्तु। उपासना खंड को भगवान गणपति के चरणों में समर्पित करें, क्रीड़ा खंड का आरंभ करें और केवल 1.5 घंटे के अंदर पूरे क्रीड़ा खंड को वंदन करें। उससे पहले आइए कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम संकीर्तन, बोलिए श्री गणपति गजानन भगवान की। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। करूं गुणगान मैं तेरा हो दीना नाथ तुम मेरे, करूं गुणगान मैं तेरा हो दीना नाथ तुम मेरे, करूं गुणगान मैं तेरा हो दीना मस्तक हो दीना नाथ
मेरी बिगड़ी बना देना, मेरी बिगड़ी बना देना, ओ दीना नाथ तुम मेरे, मेरी बिगड़ी बना देना, ओ दीना नाथ तुम, ओ दीना नाथ तुम मेरे, 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 करो गुण गान में तेरा, ओ दीना नाथ तुम मेरे, करो स्वजनों, जैसा पहले भी कहा था, गणेश पुराण में दो खंड हैं। पहला उपासना खंड, जिसका हमने विस्तार से वर्णन किया। उपासना खंड में 92 अध्याय हैं, 92 चैप्टर्स हैं। अब क्रीड़ा खंड का आरंभ करते हैं, जिसमें ध्यान से सुनिएगा, 155 अध्याय है। 92 अध्याय की कथा 6.5 दिन चली और 155 अध्याय की कथा 1.5 घंटे में होगी। लेकिन इस बार है, मैं जो हमेशा कहता हूं, फाउंडेशन नींव पक्की हो जाए तो आगे का पवन तुरंत बन जाता है। और क्रीड़ा खंड में जो है वो अधिकतर यही जो व्रत, उपासना, मंत्र और गणेश जी ने जो असुरों का दलन किया, वध किया, उसकी कथाएं हैं। श्री गणेशाय नमः। प्रथमोऽध्यायः। मुनय ऊचुः सम्यगाख्यानमाख्यातं त्वया सूतमहामते सादरं श्रुतमस्माभिर्न तृप्तिं न च तृप्तिं गता वयम्। यथा न तृप्यते जन्तुरन्नमश्नन्दिने दिने अन्यत् कथान्तरं ब्रूहि येन तृप्यामहे वयम्। मुनियों ने कहा, हे सुत जी, सम्यग आख्यानम आख्यातम त्वया सूत महात्मने। त्वया आख्यानम सम्यक आख्यातम, आपने अभी तक बहुत सुंदर रूप से ये भगवान गणेश की कथाओं का श्रवण कराया। सादरम श्रुतम अस्माभिः, हमने उनको आदर सहित सुना। लेकिन न च तृप्तिं गता वयम्, हमें अभी तक तृप्ति नहीं हुई है उससे। कैसे नहीं हुई तृप्ति?
यथा न तृप्यते जंतुर अन्नमश्नं दिने दिने, जैसे प्रतिदिन व्यक्ति अन्न खाता है, अन्नमश्नं, पांच रोटी खा ले तो उसको डकारा जाते हैं कि हाँ अब बस हो गया, बस हो गया ना, तो अब जीवन भर मांगना मत। नहीं, ऐसे कैसे जीवन भर ना मांगे, ऐसे तो तीन घंटे के बाद भी फिर कुछ टिटबिट्स, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स। कुछ घरों में तो ऐसे सजाई जाती है, मुझे लगता है दिन भर यही काम करते होंगे और कुछ प्रवृत्ति ही नहीं होगी। स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स डाइटिशियंस कहते हैं ना, तो वापस तीन चार घंटे में भूख लग जाती है, उसमें कुछ खा लिया, अब तो बहुत भारी हो गया, ठीक है फिर अब मत मांगना जिंदगी भर, नहीं वापस लगेगा तो। अन्नम अश्नन दिने दिने, प्रतिदिन भोजन करते हैं, दिन में कई बार भोजन करते हैं तब लगता है कि तृप्ति हो गई, लेकिन वो तृप्ति अधिक टिकती नहीं है। ऐसे अन्यत कथांतरम ब्रूहि येन तृप्या महे वयम, टेम्पररीली सही, एक बार डकार आ जाए ऐसी कुछ और कथा सुनाई और सुनाते रहिए, हमें तृप्ति नहीं मिलती। सुत जी कहते हैं, उक्तम चोपासना खंडम क्रीड़ा खंडम वदामि वह, मैंने उपासना खंड का वर्णन किया, अब क्रीड़ा खंड आपके सामने वर्णन कर रहा हूं। यथा कृतम गणेशेन नाना दैत्य विहिंसनम, इस क्रीड़ा खंड में यह बात है कि जिस तरह से गणेश जी ने अनेक प्रकार के विविध प्रकार के दैत्यों का वध किया, और राजेश भाई योग्य स्थान है वो, तो जिस प्रकार से विविध दैत्यों का वध किया और सत्पुरुषों का पालन किया है, और कथा की परंपरा फिर से एक बार याद दिला दी कि ब्रह्मा जी ने व्यास को जो कथा सुनाई थी, भृगु ने सोमकांत को जो सुनाई, और सुत जी कहते हैं वही कथा मैं आप सब मुनिवरों को सुना रहा हूं। क्रीड़ा खंड में भगवान गणेश के विविध अवतारों की कथा है, और वो विविध अवतार लेकर के उन्होंने पृथ्वी का भार हरण किया, देवों को उनके स्थान पर स्थापित किया और दुष्टों का दलन किया, साधु जनों का रक्षण किया। कृतयुग में भगवान गणेश जी सिंहारूढ़ थे, सत्ययुग में भगवान गणेश जी का वाहन है सिंह और दशभुजा वाले थे, और उस समय अधिकतर प्रसिद्ध जो नाम उनका है वो विनायक है, विनायक नाम से पूजे जाते हैं। सत्ययुग में सिंहारूढ़, दशभुजा और विनायक, याद रखना, मैं कभी घर पे मिलेंगे तो पूछ लूंगा। त्रेता युग में भगवान गणेश जी मयूर वाहन वाले हैं, षड्भुज हैं, छह भुजा वाले हैं और मयूरेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। द्वापर युग में भगवान गणेश जी रक्तवर्ण अर्थात लाल रंग के हैं, मूषक वाहन वाले हैं, और अभी तक हम वही स्वरूप की पूजा कर रहे हैं। लाल रंग के हैं गणेश जी, मूषक वाहन है और चतुर्भुज स्वरूप है और गजानन नाम है उनका। अब गणेश पुराण में जैसे भविष्य की बात करते हुए ऐसे लिखा है कि कलयुग में गणेश जी धूम्र वर्ण के होंगे, धुएं जैसा कलर, ग्रे मतलब धुएं जैसा कलर, मतलब ग्रे ना, तो धूम्र वर्ण के होंगे, भविष्य काल में लिखा है धूम्र वर्ण के होंगे, अश्व का वाहन होगा। अब जैसे हमने गणेश जी को कभी अश्व वाहन पे तो नहीं देखा, लेकिन गणेश पुराण में ये लिखा है कि कलयुग में ये होगा, और दो भुजा द्विभुज वाले होंगे, और उस वक्त धूम्र केतु ये उनका नाम होगा। चारों युग के श्लोक नहीं, केवल कलयुग वाला कह दूं, कलौ तु धूम्रवर्णो सा वश्वारूढ़ो द्विहस्तवान, धूम्रकेतुरिति ख्यातो
म्लेच्छानी कविनाश कृत। और उस वक्त ये भगवान गणेश जी म्लेच्छों का विनाश करेंगे, आर्य संस्कृति की संस्थापना करेंगे। कथा बताते हुए कहा विविध दैत्यों का विनाश भगवान गणेश जी ने कैसे किया। तो अंग देश में रौद्र केतु नाम का एक ब्राह्मण था, उसकी पत्नी का नाम है शारदा। दो पुत्र हुए और दोनों पुत्रों का नाम है देवांतक और नरांतक। प्रैक्टिकली आधे क्रीड़ा खंड तक बार बार ये देवांतक नरांतक का वर्णन आता है और अंत में फिर गणेश जी इन दोनों को मुक्ति दे देते हैं, ऐसी कथाएं हैं। देवांतक और नरांतक माता पिता की आज्ञा लेकर वन में जाते हैं, वहां नारद जी मिलते हैं। नारद जी उनको पंचाक्षर मंत्र का उपदेश करते हैं, नमः शिवाय। इनका जप किया, शिव जी प्रसन्न होकर वरदान देने के लिए आए तो इन्होंने वरदान मांगा कि देव मानव यक्ष राक्षस दानव कोई भी जीव जंतु, इतना ही नहीं ग्रह नक्षत्र किसी से भी ये देवांतक और नरांतक का वध न हो। प्रैक्टिकली मानो दोनों अमर हो जाएं, बस इतना ही नहीं तीनों लोकों के ऊपर, पृथ्वी स्वर्ग और पाताल तीनों लोक के ऊपर इनका आधिपत्य हो, ऐसा वरदान उन्होंने मांगा। शिव जी ने दे दिया और सीधे फिर पहले तो स्वर्ग में से इंद्र का राज्य ले लिया, विजय प्राप्त, अमरावती पर उन्होंने अधिकार कर लिया। ब्रह्मा के पास गए, सत्यलोक पर अधिकार कर लिया। विष्णु के पास गए, वैकुंठ पर अधिकार कर लिया, सब जगह पे। और पृथ्वी पर तो अनेक राजाओं को युद्ध में मार डाला। उस समय ब्रह्मा के मानस पुत्र कश्यप को उनकी पत्नी अदिति ने कहा कि ये देवता तो हमारी संतान है, हम यदि परमात्मा को पुत्र के रूप में प्राप्त कर लें तो हमारे मन को शांति होगी कि देवताओं को कष्ट नहीं पड़ेगा। कश्यप ऋषि ने कहा कि अदिति ये परम तत्व परमात्मा वो तो निर्गुण निराकार है, उस निर्गुण निराकार को साकार यदि बनाना है तो उसके लिए अनुष्ठान करना पड़ेगा। कैसे? कश्यप जी ने अदिति को ओम गणपतये नमः इस मंत्र का उपदेश किया। यहां पर गम नहीं है, केवल ओम गणपतये नमः। गंग गणपतये नमः बीजाक्षर के साथ है, यहां ओम गणपतये नमः ये अदिति को मंत्र दिया। अदिति ने तपश्चर्या की, गणेश जी प्रकट हुए, कहा वरदान मांगो क्या चाहिए। अदिति कहती है कि इच्छा है आप मेरे पुत्र बनो। अब देखिए वैष्णव ग्रंथ आप पढ़ोगे ना तो इसमें भी यही कथा आती है, जहां कश्यप और अदिति ने तपश्चर्या करके और वहां पर द्वादशाक्षरी मंत्र का जप किया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और भगवान जब प्रकट हुए तो कहा कि आप हमारे पुत्र बनो, और इतना ही नहीं तीन बार बनो। तो वो भगवान विष्णु उनके मां अदिति के गर्भ से तीन बार अवतार लेकर आए, पृष्णी अवतार, उसमें अदिति पृष्णी गर्भ और कश्यप ऋषि पृष्णी गर्भ और अदिति सुतपा, फिर वामन अवतार में तो भगवान वामन बनकर आए कश्यप और अदिति रूप में। हाँ एक तीन दिन बाद तो हमने देखा अभी अभी वामन द्वादशी हमने मनाई। तो भाद्रपद शुक्ल द्वादशी जहां भगवान वामन जी का प्रागट्य हुआ, तीसरे फिर नंद वसुदेव देवकी के रूप में भगवान कृष्ण के रूप में आए।
कहने का आशय कि वहां जो कथा, यही कथा यहां पर अदिति कहती है कि गणेश जी आप मेरे पुत्र बनकर आइए। ठीक, अब गणेश अवतार कैसे होगा? तो अपने भागवत में भगवान कृष्ण के प्रागट्य की कथा सुनी है, रामायण की कथा में भगवान राम के प्रागट्य की कथा सुनी है। आरंभ ऐसा ही है कि पृथ्वी पर दैत्य लोग इतने बढ़ गए, पाप आचार इतना बढ़ गया कि पृथ्वी पाप का बोझ सहन न कर पाई। ब्रह्मा के पास जाकर पृथ्वी ने अपनी पीड़ा व्यक्त की। इंद्र वगैरह देवों को लेकर के ब्रह्मा जी ऋषि गणों के साथ सब पहुंचे और गणेश जी को प्रार्थना की कि पृथ्वी के पाप का भार कम होना चाहिए। तब आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि कश्यप और अदिति के घर मैं अवतार लेकर के आऊंगा, गणेश अवतार लेकर के, और पृथ्वी पर दैत्यों का भार दूर करेंगे। योग्य समय पर मां अदिति ने गर्भधारण किया, नवे महीने पर एक दिव्य बालक को जन्म दिया जो जन्म समय दश भुजाओं वाला था, अत्यंत दिव्य था, ओजस्वी था। मां अदिति ने कहा ये दिव्य रूप में आप पधारेंगे तो मैं तो आपको प्रणाम करूं, मैंने तो आपको पुत्र रूप में मांगा था, तो ये साधारण बालक बनकर के आप मुझे पुत्र को वात्सल्य में प्रदान करूं, ये लाभ दीजिए। तब ये गणेश तत्व सामान्य शिशु बनके रोदन ठाना, रामचरितमानस में जो है तो यहां पर रुदन करने लगे। समय बीता, कश्यप जी ने जात कर्म आदि संस्कार किए और इस बालक का नाम रखा महोत्कट। ये गणेश जी के पहले अवतार की कथा है, क्रीड़ाखंड में ऐसे सब तो वर्णन नहीं हो पाएगा लेकिन ये प्रथम वर्णन महोत्कट के रूप में ये हुआ। उनके दर्शन करने के लिए वशिष्ठ, वामदेव आदि मुनिगण आए हैं और वशिष्ठ जी ने कहा कि ये बालक तो 32 लक्षणों से युक्त है, आप उसकी रक्षा करना। अब गणपति के, गणेश जी के महोत्कट की बाल्यावस्था के कुछ लीलाएं हैं। अपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की बाल्यावस्था की लीलाएं सुनी हैं, श्रीमद् भागवत की कथा में पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की नटखट लीलाओं का श्रवण किया है। गणेश जी भी राक्षसों का संहार करते हैं, कृष्ण लीला में जैसे पहले पूतना का मोक्ष है ऐसे यहाँ आया कि एक बार अदिति घर के आंगन में महोत्कट को रखकर घर के कुछ कार्य में संलग्न हो गई तो वहां विरजा नाम की एक अति भयंकर, अति विकराल राक्षसी आई और उठाकर उस बालक को उसने निगल दिया। वहां पूतना स्तनपान कराती है, यहां तो विरजा ने उठा करके उस बालक को पूरा निगल लिया है, लेकिन ये महोत्कट विरजा के पेट में जाकर के अपने स्वरूप को बढ़ाया और विरजा को फाड़ करके वो उसके वक्षस्थल पर बैठ गया है, विरजा का प्राण चला गया। गृह कार्य संपन्न करके अदिति जब बाहर आई, देखा कि अरे मेरा महोत्कट गया कहाँ, तो थोड़ी दूर ये तो विरजा के वक्षस्थल पर था। आनंदित हुई माँ अदिति, ले आई और कश्यप ऋषि ने शांति पाठ आदि करके अदिति से कहा फिर से एक बार कि इस बालक को क्षण भर भी अकेला मत छोड़ना। लीला नंबर 2, उद्धत और धुंधुर नाम के 2 दैत्य तोते का रूप लेकर के ये महोत्कट को मारने के लिए आए, लेकिन बालक ने तो ऐसे जैसे तोते का खिलौना लेकर के पटक पटक के उन दोनों को पूरा कर दिया। लीला नंबर 3, ऐसी कथा यदि पहले दिन से चलती तो 3 दिन में गणेश पुराण पूरा हो जाता। चौथे वर्ष के जब हुए, चतुर्थ वर्ष में महोत्कट, तो मां अदिति सरोवर में स्नान कर रही थी। बालक को इच्छा होती है कि मां के पास जाए
तो जाने गए, सरोवर में गिर गए, लेकिन वहां सरोवर में एक मगरमच्छ ने इनको पकड़ लिया। महोत्कट ने तो बाल सुलभ सहजता से जैसे खिलौने से खेल रहे हो, ऐसे मगरमच्छ को भी पकड़ लिया और उसको पटक पटक के वहां पूरा कर दिया। जब पूरा कर दिया तो उसमें से गंधर्व प्रकट हुआ जिसका नाम था चित्र, और उसने स्तुति की कि बड़ी कृपा की, मुझे भृगु ऋषि का शाप था, उनकी वजह से मैं इस मगरमच्छ की योनि में आया था, लेकिन उन्होंने ही कहा था कि कश्यप नंदन महोत्कट के हाथों से तुम्हारी मुक्ति मिली होगी, तो आज मेरी मुक्ति हो गई। लीला नंबर 4। हा हा हु, और तुम्बरु नाम के गंधर्व कैलाश की तरफ जा रहे थे, कश्यप ऋषि का आश्रम बीच में आया तो कश्यप ऋषि ने कहा थोड़े रुक जाएं, भोजन करके आगे जाएं आप यात्रा में। ठीक है, ऋषियों का एक संकल्प होता है कि यात्रा करके आए हैं, भोजन करने से पहले स्नान कर लें, तो उन्होंने स्नान किया और स्नान करने के बाद पंचदेव की उपासना वो कर रहे थे अपने अपने इष्ट देव के स्वरूप के साथ पंचदेव की उपासना। तो वहां पर ये विनायक नाम है बालक विनायक वहां आया और पंचदेव की जो मूर्तियां थी उसको बाहर फेंक दिया और भीतर अग्निगृह में अर्थात रसोई घर में जाकर के, या तो यज्ञशाला होगी, अग्निगृह यहां लिखा है, उसमें जाकर के छिप गया। ये गंधर्वों ने जाकर के कहा कि हमारी पंचदेव जो हमारी मूर्तियां हैं पूजा की वो नहीं मिल रही हैं और ये बालक ने ऐसा किया। कश्यप तो पिता हैं तो उन्होंने जाकर के थोड़ा सा डांटा, उसको डराने की कोशिश की कि लाओ कहां है मूर्तियां। विनायक ने कहा मैं खा थोड़ी गया हूं मूर्तियों को, मैं बताओ कहां गई। नहीं, मैं यदि खा गया हूं तो ये मेरा मुंह खोल के देख ले। मुंह खोल के जब देखा तो माँ अदिति ने, पिता कश्यप ने और वो जो गंधर्व वहां पर थे हा हा हु और तुम्बुरु, उन सभी ने गणेश जी के, विनायक के मुख में पंचायतन मूर्तियों की जो अपेक्षा रखी थी उसके बदले सारा ब्रह्मांड का दर्शन किया और कहा कि लाओ। तो स्वयं गणेश जी ने पांचों देवताओं के रूप में दुर्गा, विष्णु, सूर्य और शिव, और गणेश तो है ही, ये पंचदेव के रूप में उनको दर्शन दिया है। लीला नंबर 5, अध्याय 10वां, 155वें से। पांचवें वर्ष का हुआ है बालक महोत्कट, उसका चौल संस्कार हुआ, चुड़ाकरण हुआ, व्रतबंधन हुआ, सब गुह्य सूत्रों के अनुसार, बिल्कुल शास्त्र की विधि के अनुसार हुआ है। अब जब सौभाग्यवती महिलाएं इस बालक के ऊपर अक्षत मंगल वर्षा कर रही थी तो उस समय विघात, पिंगाक्ष, विशाल, पिंगल, चपल ऐसे सब राक्षस ब्राह्मणों का रूप लेकर के आ गए और वो अक्षत डालने के बहाने अस्त्रों की वर्षा करने लगे ताकि वो उसमें विघ्न निर्माण हो जाए। तब इस बालक महोत्कट ने अभिमंत्रित तंडुल चावल ऐसे फेंके और वो पांचों का वहीं पर वध हो गया। बहुत अच्छी तरह से उपनयन संस्कार हो गया, जनेऊ दी जा रही थी तो उस समय ब्रह्मा ने इस बालक महोत्कट को सुंदर सुशोभित, ये कैसी सुंदर बात है, देखिए शिव तत्व दर्शन हम कर रहे थे तब भी जब कमल की बात आई उसी दिन भावना आई थी और कमल के पुष्प लेकर आई थी, आज भी यह है। ब्रह्मा जी ने इस महोत्कट बालक को कमल का पुष्प अर्पण किया, आज भी 6 दिन से नहीं आया था, तुम्हें लिया पधरावे, वाह।
बहुत सरल। अच्छा भावना बहन, तो चंद्रिका बहन आज तो सुंदर ये कमल के पुष्प आज गणेश जी को वहां भी पूजा में भी अर्पण हुए, यहाँ भी अर्पण हुए। ब्रह्मा जी ने विकसित कमल का पुष्प ऐसे पूरा फैला हुआ सुंदर सा खुला हुआ कमल का पुष्प अर्पण किया और ब्रह्मा जी ने उस महोत्कट को ब्रह्मणस्पति ऐसा नाम दिया, जिस नाम से वेदों में हम उसके बहुत डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, गणानांत्वा गणपतिम कविम कविनाम उपमश्रवस्तम ज्येष्ठ राज्यम ब्रह्मणस्पत सीद आनंद नूति भी सीद साधनम। तो ये ब्रह्मणस्पति नाम ब्रह्मा जी ने दिया है। उस वक्त बृहस्पति ने उनको भारभूति ऐसा नाम दिया, कुबेर ने रत्नमाला अर्पण की, उपनयन संस्कार जब जनेऊ दी जा रहे तो बटुक को सब लोग देते हैं ना, तो कुबेर ने रत्न की माला प्रदान की और उनको सुरानंद ऐसा नाम दिया। वरुण ने पाश दिया है और उसको सर्वप्रिय नाम दिया। शिवजी ने त्रिशूल प्रदान किया, विरूपाक्ष नाम प्रदान किया और शिवजी ने त्रिशूल भी दिया और चंद्रकला दी और बालचंद्र नाम दिया। रेणुका देवी ने परशु दे करके परशुहस्त नाम दिया है। पार्वती देवी ने उनको सिंह प्रदान किया और सिंहवाहन नाम दिया है। समुद्र ने मुक्तमाला प्रदान की, मुक्तामाला जिसको हम कहते हैं, और मालाधर ऐसा नाम दिया है। शेषनाग ने स्वयं को समर्पित कर दिया कि मैं ही आपका हो गया हूं आज से, और फणि राजासन नाम दिया। अग्नि ने उनको दाह शक्ति प्रदान की, धनंजय नाम दिया। वायु ने प्रचंड बल दिया और प्रभंजन ऐसा नाम दिया। इंद्र ने अभिमानवश कि मैं तो देवों का राजा हूं, लोग मुझे भेंट देते हैं, मैं थोड़ी सबको भेंट देने निकलूंगा, तो नहीं दिया। कश्यप ने इंद्र से कहा कि इंद्र अपने पद से नहीं, जिसमें अद्भुत पराक्रम हो और गुण हो वही पूजनीय होता है। यह बालक महोत्कट के रूप में परमात्मा ही अवतरित हुए हैं। इंद्र ने कहा अच्छा देखता हूं मैं परमात्मा कैसे हैं, उनके गुण कैसे हैं। वो परीक्षा लेने के लिए इंद्र ने पहले वायु को भेजा और कहा कि इसको उड़ा दो, ये बालक को। अब ये कथानक जो है ना प्रिय स्वजनों, हम जब केनोपनिषद का चिंतन करेंगे तो केनोपनिषद के अंतिम खंड में आता है उमा देवी के रूप में कि परम ब्रह्म तत्व एक तिनका रखते हैं सामने और कहते हैं वायु को ऐसा लगता है कि मैं ही सब कुछ हूं, यदि मैं न रहूं तो सृष्टि न चले। तो परम ब्रह्म तत्व एक तिनका रखते हैं, अच्छा उड़ाओ इसको तिनके को। तो वायु ने बहुत फू फा किया, उड़ाने की बात तो दूर, तिनके को हिला नहीं सका। वायु थक के गया, अग्निदेव आए, मैं सर्वस्व, मेरे सिवा नहीं चलता सृष्टि में, मैं ही हूं। अच्छा वही तिनका रख के कहा जरा इसको जलाओ, सृष्टि को जलाने की बात करते हो वो तो बाद में करेंगे, पहले इसको तो जलाओ तिनके को। अग्निदेव भी कुछ नहीं कर सका। ऐसी सब केनोपनिषद में ये कथा है और बाद में फिर उमा देवी के रूप में परम शक्ति प्रकट होती है। करेंगे केनोपनिषद भी क्रम में लेंगे कभी, तो वो प्रसंग यहां पर गणेश जी के माध्यम से आता है। उड़ाओ इस बालक को, वायु उड़ा नहीं सका, अग्नि से कहा इंद्र ने इसको जला दो, अग्नि उसको दग्ध नहीं कर सका। स्वयं इंद्र आया है, सहस्र नेत्र, सहस्र भग था उसे सहस्र नेत्र कथा हम देख चुके हैं। तो स्वयं इंद्र आया अपने 1000 नेत्रों से दर्शन करने लगा तो महोत्कट ने विनायक ने उनसे भी अधिक सहस्राधिक नेत्र सहस्राधिक शीर अनंत हस्त पैर ओम सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्रास्त्र सहस्राक्ष सहस्रपात सब हजारों से और स्वर्ग से लेकर पातालों तक अपने आप को व्याप्त
किया। इंद्र ने ये जब दर्शन किए कि इनके तो रोम रोम, मैं तो एक ब्रह्मांड के एक स्वर्ग का अधिपति हूं, इनके तो रोम रोम में अखंड अनंत ब्रह्मांड छिपे हुए हैं, तब जाकर के इंद्र शरण में आया, इस बालक की स्तुति की है। अंकुश और कल्पवृक्ष इंद्र ने दिए और इंद्र ने इनका नाम विनायक रखा है। सातवां वर्ष जब हुआ तो बालक चार आयुधों से सुसज्जित है। उस समय काशीराज ने अपने पुत्र का विवाह तय किया था तो कहा कि उपस्थित रहने के लिए आप आए, तो कश्यप ऋषि से कहा कि आप पधारें। कश्यप ने कहा मेरे पुत्र को ले जाओ, विनायक को ले जाओ। काशीराज के साथ गए, मार्ग में दुम्राक्ष तपश्चर्या कर रहा था और उस दुम्राक्ष को वरदान के रूप में आयुध देने के लिए भगवान सूर्य ने एक अस्त्र भेजा, आयुध। विनायक ने देखा कि यह आयुध सूर्य के पास से दुम्राक्ष के पास जा रहा है और सूर्य उनको प्रदान कर रहे हैं, तो उसने मार्ग में ही उस आयुध को ऐसे उछाला कि वो आयुध जाकर के दुम्राक्ष पर गिरा और दुम्राक्ष वहीं पूरा हो गया। उसके दो पुत्र थे मनु और जघन, बदला लेने के लिए आए और उनको भी उड़ा दिया और वे जाकर के नरांतक के राज्य में पड़े। देखिए शुरुआत जहां से हुई, नरांतक और देवांतक। अब उनको पता चला कि अरे इतने बड़े बड़े राक्षसों को मारकर गिराते हैं तो ये है कौन, हमें सावध हो जाना चाहिए। तो अब नरांतक और देवांतक का सीधे गणेश जी से संघर्ष शुरू हुआ है। विनायक के वध के लिए भेजा गया तो जब काशी नगरी में विनायक ने प्रवेश किया काशीराज के साथ, तो उनको देखने के, उनके दर्शन करने के लिए काशी की महिलाएं अपना श्रृंगार भी छोड़ करके इनके दर्शन के लिए दौड़ी हैं। और उस समय काशी के जो ब्राह्मण थे उन्होंने विनायक को परमात्मा के रूप में देखा, क्षत्रियों ने महान वीर के रूप में देखा, वैश्यों ने रुद्र रूप में दर्शन किए और शूद्रों ने विष्णु रूप में उनके दर्शन किए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जिनके हृदय में, जिनका अंतःकरण में जैसा भाव था उस प्रकार से उन्होंने विनायक को देखा। अब इतना पराक्रम सब कर चुके थे। काशीराज ने रात्रि के समय विनायक को कहा आप थोड़ा विश्राम करें और उनकी रक्षा के हेतु चार पुरुषों को, बहुत नजदीक के जो थे, विश्वासु थे, उनको रख दिया और कहा कि रात भर जागकर आप इनकी रक्षा करना। दूसरे दिन नित्य कर्म करके विनायक बालकों के साथ क्रीड़ा करने लगा। एक ब्राह्मण धर्मदत्त विनायक को अपने घर बुला के ले गया। अब देखिए एक तो बात आती है कि ब्रह्मा जी ने अपनी मानस कन्याएं सिद्धि और बुद्धि विनायक को प्रदान की थी, यहां आता है कि धर्मदत्त ब्राह्मण ने स्वागत किया, सत्कार किया, विनायक को भोजन कराया और दक्षिणा के रूप में ये सिद्धि बुद्धि नाम की अपनी दो कन्याएं विनायक को प्रदान की। कैसा समय ये रहा होगा कि ब्राह्मणों के वहां ब्राह्मण बन करके भोजन के लिए जब जाए तो दक्षिणा में अपनी पुत्रियों का विवाह कराते थे। सुंदर ऐसी कथाएं चलती हैं। ब्रह्मा जी कश्यप से कहते हैं कि सृष्टि में जब सर्जन कर रहा था उस समय भी सामर्थ्य के हेतु मैंने गणेश जी के षडाक्षर मंत्र का जप किया था और जैसा आपने उपासना खंड के अंत में जैसे वर्णन किया कि जो अलग अलग पत्नियों से अलग अलग संतान जन्म हुए, उसमें श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में जो कथा आती है वो यहाँ पर कि कश्यप ऋषि संध्या समय
सायं संध्या सूर्यास्त की वेला में संध्या और होम कर रहे थे। दीति ने जाकर के कश्यप ऋषि का हाथ पकड़ा, कहा कि कामेच्छा मेरी है, आप तुष्ट करो। कश्यप ऋषि कहते हैं थोड़ी देर रुक जाओ, ये सूर्यास्त का समय है, ये पिशाच वेला है, इस समय नहीं करते, तुम्हारी इच्छा पूर्ण करना मेरा कर्तव्य है, लेकिन रुक जाओ। अब कामा तुराणाम न भयम न लज्जा, वो तो सोडा वाटर के बॉटल की तरह वो जब वो क्या कहते हैं वो उभर कर आता है, तो उसी समय दीति ने कुछ न कहने जैसे शब्द भी कहे, अपमान किया कि पत्नी की इच्छा पूर्ण न कर सके वो पति किस काम का। कश्यप ऋषि कहते हैं बात ये नहीं है, बात समय की है, नहीं मानी। कश्यप ऋषि ने ऐसे भी ये नहीं करने देती, पास में यज्ञशाला थी वहां जाकर के जो संबंध बना, दीति को दो पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह अवतार धारण करके मारा था और हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नृसिंह अवतार किया था। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रह्लाद विष्णु का भक्त था। अब ये सब क्यों कहा, क्योंकि वामन अवतार जब लिया भगवान विष्णु ने, तो बलि ने शुक्राचार्य के पास से जो बोध लिया, शुक्राचार्य ने बलि को रोकने का भी प्रयास किया कि वामन तुम्हारे पास से जो दक्षिणा मांगते हैं नहीं दो, लेकिन बलि को तो विष्णु पद चाहिए था इसलिए वो यज्ञ कर रहा था। यहां पर ऐसा कहा है कि उस बलि को रोकने के लिए वामन ने अपने पिता कश्यप से षडक्षर मंत्र का बोध लिया था और विदर्भ देश में जाकर के तप किया था, जिससे गणेश तत्व ने प्रकट होकर के वामन को वरदान दिया कि तुम ये बलि को रोकने में समर्थ होंगे और तीन पदा पृथ्वी बलि के पास वामन जी ने मांगी। ये सब कथाओं का संदर्भ यहां पर आता है। क्रीड़ा खंड में और आगे चलें, सुंदर कथानक आता है प्रिय स्वजनों, क्रीड़ा खंड के 44वें अध्याय से लेकर के 48वें अध्याय तक गृत्समद और कीर्ति का संवाद है। ये सूर्य वंश में दिवोदास नाम के एक अत्यंत ज्ञानी और धर्मात्मा राजा हुए थे, राजा है जिसका नाम है दिवोदास, श्रीमद् भागवत में भी इसका संदर्भ है। ऐसा हुआ कि एक बार काशी नगरी में 12 वर्षों तक अनवर्षण हुआ, अर्थात बारिश ही नहीं हुई, अकाल पड़ा। उपाय ऐसा मिला कि यदि कोई धार्मिक राजा काशी नगरी को संभाल ले तो वहां पर वर्षा हो सकती है। हमारे ऐसा माना गया है कि राजा यदि अधार्मिक हो, राजा यदि दुष्ट हो, तो ऐसी कुदरती आपदाएं आती हैं और प्रजा दुखी होती है। मुझे कविता याद आ रही है, हमने गुजराती मीडियम में जो पढ़े होंगे उनको याद आ जाएगा, उसी तक गुजराती मीडियम में पढ़ी तो वाह, कलापी की कविता थी, लाठी के कवि सुरसिंह जी तख्त सिंह जी गोहिल कलापी, कला कविता का नाम था ग्राम्य माता। संक्षेप में कहूं, छोटा सा गांव है, खेत उसके खेत हैं और गन्ने की फसल है। राजा गुप्त वेश धारण करके नगरचर्या करने निकला है, राजा राज्य में क्या हो रहा है वो देखने निकला है। इतनी सुंदर फसल है, खेत में छोटी सी झोपड़ी है जिसमें ये वृद्ध महिला जिसको ग्राम्य माता कहता है, गांव की माँ, उसके पास आकर के राजा कहता है कि माँ प्यास लगी है, पानी मिलेगा?
तो ग्राम्य माता कहती है, इतना सुंदर, इतनी सुंदर फसल हुई है गन्ने की, पानी क्या पियोगे, गन्ने का रस पियो। ठीक, तो वो वृद्ध माता खेत में जाकर के दो तीन गन्ने लेकर आती है और ऐसे छुरी मारती है तो गन्ने में से रस की धारा छूटती और पूरा जो प्याला है वो भर जाता है। राजा देखता है ये दृश्य और रस जब पीता है तो मानो अमृत पी रहा, इतना मीठा रस। रस पीते पीते राजा के मन में विचार आया, इतनी फलद्रुप, इतनी फर्टाइल लैंड है, इतनी सुंदर फसल होती है, इतना रस, तो ये लोग कितना कमाते होंगे, मेरी प्रजा है, ये तो मेरी धरती है ना, मैं राजा हूं तो भूमि तो मेरी है, खेत पर खेती भले ये लोग करें लेकिन मैं राजा हूं, धरती मेरी है, इतना ये लोग कमा लेते हैं तो टैक्स में मुझे क्या मिलता है, मुझे तो कुछ नहीं मिलता। कुछ करना पड़ेगा, टैक्स बढ़ाना पड़ेगा लोगों को। पर राजा के मन में ऐसा विचार आया, वो प्याला पूरा हुआ हाथ में थमाती है, वो वृद्ध माता पूछती है, और दूं? रस इतना मीठा है कि राजा ना नहीं बोल सकता, कहते हाँ मैया दो। ठहरो, माँ फिर से खेत में जाती है, एक गन्ना और तोड़ कर लाती है, छुरी मारती है, एक बूंद भी नहीं गिरती रस की। माँ को आश्चर्य होता है, ऐसा क्यों हुआ, अभी 10 मिनट पहले इसी खेत में से गन्ना तोड़कर आई, एक धारा छुरी मारी तो रस इतना निकला कि पूरा प्याला भर गया, और वही खेत में वहीं से गन्ना, वही फसल है, कोई दूसरी फसल भी नहीं है, गन्ना लेकर आती हूं एक बूंद नहीं आती, क्यों नहीं आती। ग्राम्य माता है, वृद्धा है, जीवन भर का अनुभव है, वो कहती है, रसहीन धरा थई छे, दयाहीन थयो नृप, नहीं तो न बने आवूं, बोली माता फरी रड़ी। रसहीन धराते, धरती का रस क्यों खींच गया, क्यों, एक ही कारण होना चाहिए, दयाहीन थयो नृप, नृप करते राजा, राजा के मन में से दया भाव चला गया होगा, राजा प्रजा का पोषक न बन के शोषक बन रहा है, नहीं तो न बने आओ, नहीं तो ये हो नहीं सकता। ऐसा कहते हुए उस वृद्ध मां की अश्रु, आंख में से अश्रु निकलने लगे। तो राजा यदि लालची हो जाए, राजा यदि दुष्ट हो जाए, राजा यदि क्रूर हो जाए तो प्रजा में पीड़ा आ ही जाती है। यहां पर काशी नगरी में 12 वर्षों से वर्षा नहीं हुई, वृष्टि नहीं हुई, क्यों, राजा ठीक नहीं था, तो राजा को बदल दो, किसको बिठाना पड़ेगा, कहते हैं दिवोदास को बिठाओ, सूर्यवंश का ये प्रभावी राजा है, गुणवान है, धार्मिक है, सात्विक है, तो सबने जाकर के कहा दिवोदास आप, दिवोदास कहते हैं कि मैं शासन संभाल लूंगा, ये कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक शर्त मेरी, काशी नगरी में जितने भी देवता हैं वो काशी नगरी छोड़कर चले जाएं, तो मैं राज्य संभालूंगा। कहा ठीक, भगवान महादेव के नेतृत्व, और काशी तो शिव जी की नगरी है ना, विश्वनाथ, भगवान महादेव के नेतृत्व में सारे देवता काशी नगरी छोड़कर के चले गए हैं, मंदार पर्वत पर चले गए, यहां दिवोदास का शासन शुरू हुआ, अच्छी तरह से शासन किया उसने, बहुत सुंदर शासन, इतनी वर्षा होने लगी, जमीन फलद्रुप हो गई, लोग सुखी हो गए, संपन्न हो गए, कहीं पर भी अपमृत्यु नहीं होती थी, किसी के घर में कोई शोक या दुख की घटना नहीं होती थी, किसी प्रकार का उत्पात नहीं होता था, किसी के जीवन में कोई कष्ट नहीं था, और पहले की तरह सभी के घर घर में सुंदर धार्मिक कृत्य होने लगे हैं, समाचार सब पहुंचे देवों के पास कि काशी नगरी में तो संपदा आ गई है, सुख समृद्धि है, सब कुछ है। शिवजी काशी से दूर रह नहीं सकते,
भगवान शंकर को काशी इतनी प्रिय है, अब ये शर्त में बंधे हुए हैं, जब तक दिवोदास कहे नहीं तब तक आ नहीं सकते। तब दिवोदास अच्छी तरह से राज्य चला रहा है तो उसको हटाए कैसे? दिवोदास काशी छोड़ के जाएगा नहीं, कैसे करें? भगवान शंकर ने सब देवताओं ने योजना बनाई कि इसकी कुछ भूल निकालो, कुछ दोष निकालो इसका, देखो क्या है। तो एक के बाद एक सब देवताओं को भेजते हैं। सबसे पहले सब देवताओं के अलग अलग कहाँ नाम लो, चतुष्षष्ठी योगिनी को, आठ भैरव को, 11 आदित्यों को, सबको भेजते हैं, द्वादश सूर्यों को, सबको भेजते हैं। जो भी जाए वो गया इसलिए है कि काशी में जाकर के कोई भूल निकाले, कोई दोष निकाले कि यहां कोई तकलीफ है, वो जाके कहें तो फिर दिवोदास को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन वो जब दाखे दे, भूल कोई दिखती ही नहीं, कोई दोष दिखता ही नहीं, और इतनी सुंदर नगरी लगती है कि जो भी दोष देखने जाता है वो खुद काशी में सेटल हो जाता है। चतुष्षष्ठी योगिनी वहां रह गई, एकादश रुद्र वहां रह गए, द्वादश आदित्य वहां रह गए, सब वहीं पर रहने लगे, सब वहीं पर चले गए। अष्ट भैरव वहां रह गए, दुर्गा, दिक्पाल देवता, ऋषिगण, सब जो भी गया वो सब वहीं निवास करने लगे। अब शिवजी को बिना काशी ठीक नहीं लग रहा है, काशी का वियोग शिवजी को सता रहा है, तो अंत में भगवान शंकर ने गणेश जी को, और वो गणेश जी का स्वरूप है ढूंढी विनायक, ढूंढी गणेश जी को काम सौंपा कि जरा कुछ करो, वहां की जनता को मोहित करो ताकि मुझे वहां जाने का मौका मिले। ढूंढी विनायक ज्योतिषी का रूप लेकर के काशी में आए हैं। और एक बात कहें, लोगों को पता चले कि ज्योतिषी कोई आया है तो लोगों को इतना इंटरेस्ट पड़ता है, कथा में इतनी एकाग्रता से आप बैठे हैं, श्रवण करते हैं, लेकिन पता चले कि बाहर कोई ज्योतिषी आया है और फ्री में हाथ देखता है, कुंडली देखता है, तो धीरे 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 एक एक करके कथा तो बाद में YouTube पर पूज्य श्री भाई चैनल को सब्सक्राइब करके देख लेंगे, ब्रांडिंग कर दिया मैंने ब्रांडिंग कहते क्या कहते हैं इसको, एंडोर्स किया पर कथा तो बाद में भी देख लेंगे। ये ज्योतिषी को पहला जरा पूछ लें हमारा क्या होने वाला है। ढूंढी विनायक ज्योतिषी का रूप लेकर के जब आए काशी में, जहां जहां जाते और इतना सचोट भविष्य दिखाते तो कानो कान पता चल गया कि इतने विद्वान ज्योतिषी आए हैं। सब लोग उनके पास जाने लगे, सभी को श्रद्धा होने लगी, विशेष करके माताएं महिलाएं जो काशी की थी, और महिलाएं जब किसी को पब्लिसिटी करके चढ़ा देना तो तुरंत हो जाता है वो काम। ढूंढी विनायक इतने प्रसिद्ध हो गए काशी में, राजमहल की स्त्रियों तक, महिलाओं तक ये बात पहुंच गई, और उनके द्वारा, राजरानियों के द्वारा दिवोदास तक ये बात पहुंची। तो दिवोदास ने भी उनको निमंत्रण दिया, राजा भी विश्वास करने लगा, और ढूंढी विनायक ने राजा दिवोदास से कहा कि आज से 17 दिन के बाद अर्थात 18वें दिन कोई परम पुरुष, कोई दिव्य पुरुष तुम्हारे पास आएगा, और वो जो तुमसे कहे वो कार्य तुम करना। कहा ठीक। 18वें दिन काशी के पंचकोशी मार्ग के बाहर विष्णु बौद्ध का अवतार लेकर के आए और दिवोदास से कहा कि तुम ये क्या फंसे हुए हो, राज्य करते हो, ऐसे सब छोड़ो। देखिए प्रिय स्वजनों, ये थोड़ी सी भारतीय
सनातन धर्म की परंपरा के इतिहास को ये प्रसंग को समझने के लिए अत्यंत संक्षेप में आपको बता दूं, हमारे यहाँ सनातन धर्म जो है वो प्रवृत्ति प्रधान है, कर्म प्रधान है। वेदों ने कहा अयम मे हस्तो भगवान, अयम मे भगवत्तरहा, ये मेरा हाथ है वो भगवान है, ये मेरा हाथ भगवान से भी श्रेष्ठ है। क्यों? मेरे इन हाथों से जो मैं सत्कर्म करूंगा उसके परिणाम स्वरूप मुझे परमात्मा प्राप्त होंगे। तो सनातन धर्म प्रारब्ध को मानता है, एज अ थियरी वी डू बिलीव इन डेस्टिनी, बट वी आर नॉट द स्लेव्स ऑफ डेस्टिनी। प्रारब्ध को स्वीकार किया लेकिन हम प्रारब्ध के गुलाम नहीं हैं, हम पुरुषार्थवादी हैं। ये वेदों का संदेश है, ऋषियों का संदेश है। इसलिए कृण्वंत विश्वम आर्यम, ये गर्जना हम करते हैं कि सात्विक विचार हम विश्व भर में ले जाएंगे, सबको देंगे। लेकिन सनातन धर्म की कुछ शाखाएं जो निकली हैं वो निवृत्ति प्रधान है। उसमें ये बौद्ध परंपरा है, जैन परंपरा है, यह है मूल सनातन धर्म की। भगवान महावीर ने कभी भी वेदों का विरोध नहीं किया। भगवान महावीर जब उपदेश करते थे तो हमेशा कहते चतुर आर्य सत्यानि, आर्य सत्य चार, उसकी बात करते थे भगवान महावीर। भगवान बुद्ध ने स्वयं कभी वेदों का विरोध नहीं किया, लेकिन वो परंपरा जब आगे चली, भगवान महावीर जब निर्वाण हो गए, बुद्ध जब निर्वाण हो गए, देह त्याग उन्होंने किया, तो फिर 200-300 वर्ष के बाद जो उनके भीतर भी फिर अलग 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 संप्रदाय शुरू हो गए। जैन में भी, जैन परंपरा में कितनी अलग अलग परंपराएं, कितने अलग अलग संप्रदाय, बौद्ध परंपरा में भी महायान, हीनयान, वज्रयान, अलग अलग। चंद्रिका बेन आपको याद होगा तिब्बत में जब हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा में जब जाते थे तो मैं वहां समझाता था कि ये हीनयान की मोनास्ट्री है, ये वज्रयान की, क्योंकि वहां के जो प्रतीक हैं उससे भगवान की कृपा से कुछ अध्ययन किया तो पता चल जाता है कि ये किस प्रकार की परंपरा में चलते हैं। उसके जो बुद्ध के अलग अलग स्वरूप हैं और दूसरे भी देवताओं के जो स्वरूप हैं उनसे पता चलता है। तो ये बौद्ध परंपरा में भी अलग अलग फिर होने लगे, लेकिन ये सारे जो संप्रदाय हैं, परंपरा है, वो निवृत्ति प्रधान है। अर्थात संसार योग्य नहीं है। यदि इफ यू आर लीडिंग अ फैमिली लाइफ यू आर कमिटिंग सिन। घर में यदि गृहस्थी का जीवन जीते हो तो कुछ ना कुछ पाप होते ही रहते हैं। श्रेष्ठ क्या है? ये सब छोड़ के चले जाओ, प्रवृत्ति का विरोध। और उसका इतना इन्फ्लुएंस हुआ कि अभी तो कुछ सनातन वैदिक परंपरा के संप्रदाय भी निवृत्ति प्रधान हो गए। वे लोग भी कहने लगे संसार असार है, त्याग करो, हम कभी संपत्ति को नहीं छूते, हम महिलाओं को नहीं देखते, ये सब उसमें आया कूड़ा करकट है। उन खिचड़ी हो गई फिर, न प्रवृत्ति के पूरे रहे न सब निवृत्ति के पूरे रहे। इसलिए एक तरफ कहेंगे हम संपत्ति को छूते नहीं, महिलाओं को छूते नहीं, हम ये नहीं करते, और दूसरी तरफ इतने भव्य मंदिर म्यूजियम के जैसे, उसमें भगवान तो ढूंढना पड़ता है, लेकिन बड़े बड़े आश्रम, बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े कारोबार, बिना पैसे कैसे करते हो ये सब? कहीं से तो संपत्ति आती है ना, कुछ तो करते हो। हमारे मंदिर में आकर के भगवान पे अभिषेक करो, लाओ 51 रुपया। क्यों भाई, तुम तो संपत्ति को स्पर्श नहीं करते। नहीं, उसके लिए हमने दूसरे आदमी रखे, हम नहीं करते संपत्ति को स्पर्श। दुकानें लगा दी अलग अलग प्रकार की, ये गड़बड़ हो गई। जरा सनातन संस्कृति को, वैदिक धर्म को समझ नहीं पाए, प्रवृत्ति निवृत्ति का गड़बड़ घोटाला कर दिया उन्होंने। बौद्ध, यहां पर जो बात आई उसको भी हमने कहा तो विष्णु का अवतार, नवा अवतार है, कृष्ण के बाद बुद्ध अवतार भी, लेकिन निवृत्ति प्रधान। तो उस मार्ग के कोई महापुरुष होंगे, उन्होंने दिवोदास को निवृत्ति की, क्या कर रहे हो, राज्य कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, छोड़ो। अब ये इतिहास है, दिवोदास हिस्टोरिकल कैरेक्टर है, और इतना प्रभावी राजा था, इतना यशस्वी राजा था,
फिर भी ये बौद्ध मत में आकर के उसने राज्य छोड़ा, ये हिस्ट्री है। गणेश पुराण ने ये पूरी बात को ऐसे ये कर दिया कि भगवान गणेश की प्रेरणा से विष्णु बुद्ध का अवतार लेकर के आए, इसकी मति फेरी। देवदास ने काशी नगरी का त्याग किया और जब देवदास काशी नगरी छोड़कर गया तो भगवान शंकर सभी देवताओं के साथ पुनः काशी नगरी में आ गए और ढूंढी विनायक भी फिर अपने वो ज्योतिषी का रूप छोड़ करके अपने मूल स्वरूप में काशी में निवास करने लगे। भगवान शंकर भी ये ढूंढी विनायक काशी के। महिमा इतनी है कि भगवान विश्वनाथ का दर्शन करने जाओ उससे पहले ढूंढी विनायक के दर्शन करने पड़ते। वाराणसी की यात्रा की है यहाँ पर कोई है? हाँ, आप तो बनारस के ही हो। इलाहाबाद का प्रयाग, इलाहाबाद मत बोलो, प्रयाग बोलो, प्रयाग कंठस्थ कर लो सब। इतिहास बदल रहा है और वो बदलते हुए इतिहास को संभाल के याद रखो। भूल बहुत हो गई पिछले 500 वर्षों में, तो अब प्रयाग है तुम हो। प्रयाग में भी ढूंढी है? बनारस के हो ना? हाँ, आप गए हो, दर्शन किए हैं, ठीक। तो ढूंढी विनायक के दर्शन किए बिना यदि विश्वनाथ के भी दर्शन करो तो वो दर्शन अधूरे हैं। ऐसा कहा जाता है बनारस के कि शंकर भगवान दृष्टि नहीं देते उसको, कि ढूंढी को अर्पण करके नहीं आया। ढूंढी विनायक की इतनी महिमा है। तो नाम क्यों कहा? तो ठीक से अन्वेषण करके, ढूंढी ढूंढ कर, ठीक से उसके गुणों को, उसके कर्मों को ढूंढ कर, दर्शन करके, अन्वेषण करके, फिर ये गणेश जी उस व्यक्ति को उसके कर्मों का परिणाम देते हैं। इसलिए नामकरण हुआ ढूंढी विनायक। सारे देवता और काशी में तो इतने गणपति के स्वरूप हैं, इतने अलग अलग भैरव के स्वरूप है, मुख्य काल भैरव है लेकिन इतने अलग अलग भैरव के स्वरूप है, मुख्य विश्वनाथ भगवान है लेकिन इतने अलग 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 भगवान शंकर। तो कंकड़ कंकड़ काशी में तो शंकर है प्रत्येक। काशी की महिमा है, यहाँ पर ढूंढी विनायक के दर्शन हुए। यही पूरी कथा स्कंद पुराण में भी काशी खंड में आती है। अब काशीराज की भी बहुत डिटेल में, फिर कई दैत्यों का वध भगवान गणेश जी ने किया है काशी में। देवांतक और नरांतक की बातें भी आती हैं। फिर कहा कि त्रेता युग में भगवान गणेश ने मयूरेश्वर अवतार लिया है और सिंधु दैत्य को मारा है। सिंधु दैत्य की भी कथा आई, महत्वपूर्ण है। क्रीड़ाखंड के 81वें अध्याय में पार्वती के पुत्र के रूप में भगवान गणेश का प्रागट्य, अलग अलग गणेश के अवतारों में से एक ही अवतार है। मैंने पहले कहा था कि गणेश पुराण जो उपासना खंड में बात करता है वो गणेश तत्व, और हम अधिकतर जो शिव पार्वती के पुत्र के रूप में जो गणेश समझते हैं वो गणेश जी तत्व के विविध अवतारों में से एक अवतार वो है। एक बात मैंने देखी, गणेश पुराण में वो शिव पुराण में जो प्रसंग है ना कि पार्वती जी नहा रही, स्नान कर रही थी और उसमें से मूर्ति बनाई, पुत्र हुआ, यहाँ अलग तरीके से है। और रक्षा के लिए बाहर खड़ा था कि मैं स्नान करी हूँ, वहाँ शिव जी आए और मस्तक उड़ा दिया और हाथी का, पार्वती ने आकर कहा कि ये तो हमारा पुत्र है और हाथी का, बहुत डिटेल में ये सब बातें गणेश पुराण में नहीं है, शिव पुराण में है। गणेश पुराण में पार्वती पुत्र के रूप में प्रभु गणेश, गणेश तत्व कैसे प्रकट हुआ इसकी कथा संक्षेप में देखूं तो पार्वती को इच्छा है कि ये तत्व मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हो। ये गुणेश कहा है, गुणेश को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती ने
भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन गणेश जी की पार्थिव प्रतिमा बनाई, जो हमने पहले कथा में देखा, मिट्टी की पार्थिव प्रतिमा बनाई, उसका षोडशोपचार से पूजन किया। उस पूजन से प्रसन्न होकर के उस पार्थिव प्रतिमा में चेतना आ गई, सजीव हो गए। बोध हमें यह लेना है प्रिय सज्जनों कि संसार में कई लोग ऐसे हैं जिनको मूर्ति में भी भगवान के दर्शन नहीं होते। वो तो कहते हैं ना, क्या पत्थरों को पूज रहे हैं, अंधे हैं वो लोग, अबूध हैं, मूर्ख हैं वे। हम इतने तो अच्छे हैं कि हमें मूर्ति में भी भगवान दिखाई पड़ते हैं, वो भावना जागृत होती है। लेकिन पार्वती की वो उपासना की श्रद्धा, प्रेम, एकाग्रता, निष्ठा कैसी होगी कि मूर्ति में प्राण आए। हम पूजा करने से पहले मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और फिर देवता के प्रति श्रद्धा निर्माण करते हैं। यहां पार्वती की पूजा से प्रसन्न होकर मूर्ति में प्राण चेतना प्रकट हुई, सजीव हुए और विराट स्वरूप में जब पार्वती ने दर्शन किए, पार्वती ने कहा कि मैं तो पुत्र रूप में, जैसे अदिति ने कहा था, मैं तो पुत्र रूप में आपको देखना चाहती हूं। तो वह विराट रूप षडभुज रूप हो गए और सुंदर बालक बन गया। पार्वती ने उसको स्नान करा करके स्तनपान कराया है और यह देख दृश्य देखकर शिवजी भी इतने प्रसन्न हुए। शिवजी ने कहा, बड़े सुंदर श्लोक है ये, श्री गणेश पुराण के क्रीड़ा खंड के 82वें अध्याय में, आश्चर्यम परमम लेभे प्रोवाच च वचस्तदा। जब वो मूर्ति सजीव हुई तो पार्वती को भी इतना आश्चर्य हुआ है और शिवजी कहते हैं, नायं बालो नादि सिद्धो जरा जन्म विवर्जितः। ये कोई सामान्य बालक नहीं है, तो ये अनादि सिद्ध, जन्म मरण से रहित, लीला करने के लिए अवतार धारण करके पधारे हैं। लीला विग्रहवानेश स्वप्रकाशो गुणातिगः, शुद्ध सत्वमय सर्व जीवेशो भुवनेश्वरः। ये समग्र सृष्टि के अधिपति हैं, समग्र लोकों के स्वामी है ये। ऐसा पुनरुचे च गिरिजाम शिवो शिवहरो विभु, संस्कृत भाषा का आनंदी, अशिवहर शिव, लोगों का अमंगल दूर करने वाले शिवजी ने कहा पार्वती से कि परमात्मा गुणातीतः पुत्रतांते समागतः। गुणातीत परमात्मा ही आपका पुत्र बन के आया है। परानुष्ठानतो देवी साक्षात दृष्टो विभुस्त्वया, तुमने कितना सुंदर अनुष्ठान किया होगा हे देवी, तुम स्वयं भगवान को अपने पुत्र के रूप में निहार रही हो। ये प्रभु प्रकट हुए और इतना आनंद हुआ है। तो कहा कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के दिन, सोमवार का दिन था, स्वाति नक्षत्र में सिंह लग्न के उदय काल में 5 शुभ ग्रह जब सुयोग में है, उस समय यह बालक उत्पन्न हुआ है। अब यहां भी देखिए दो परंपराएं, एक हम माघी चतुर्थी को भगवान गणेश का प्रागट्य दिन कहते हैं और पार्वती के अवतार, पार्वती के पुत्र के रूप में जब अवतार लिया तब गणेश जी का प्रागट्य दिन, ये भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी है। तो दोनों
किस अवतार की आप बात करते हो उस पर है। जैसे भगवान विष्णु राम अवतार लेकर आए तो प्रभु का प्रागट्य दिन है रामनवमी, चैत्र शुक्ल नवमी। लेकिन वही भगवान, अच्छा पहले वामन अवतार लेकर आए तो भाद्रपद शुक्ल द्वादशी, वामन द्वादशी। वही अवतार कृष्ण अवतार लेकर आए तो जन्माष्टमी। भगवान तो वही हैं, किस अवतार की आप बात कर रहे हो वो भगवान का प्रागट्य दिन। ऐसे गणेश जी के बारे में हमें समझना चाहिए। मैं इसलिए स्पष्टता कर रहा हूं कि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि नहीं हमने तो ऐसा सुना है कि माघी चतुर्थी है वो माघी गणेशोत्सव मनाते हैं वही गणेश जी का प्रागट्य होता, ठीक है ना, कोई विरोध नहीं है। लेकिन यहां पार्वती नंदन के रूप में जब प्रभु पधारे, गुणेश नाम रखा है, 11वें दिन सब ऋषि मुनि पधारे और गुणेश नाम रखा है और कहा शिव ने इस बालक को वरदान दिया कि बालक सभी शुभ कार्यों के आरंभ में पूजनीय होगा, उसकी पूजा होगी। गुणेश के जन्म को लेकर के ये भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी वरदान देने वाली हो गई और इसलिए गणेश पुराण तो स्पष्ट कहता है कि तदादि सा तिथि ख्याता गुणेशस्य वरप्रदा तस्याम महोत्सव कार्यश्चतुर्थ्याम स्वशुभाप्तये। जिनको अपने शुभ मंगल की प्राप्ति करनी है वो ये भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन महोत्सव करे। मृण्मयी प्रतिमाम कृत्वा पूजयेच्च यथाविधि। मैं ये विस्तार इसलिए कर रहा हूं कि गणेशोत्सव चल रहा है दिन माघी चतुर्थी में, जहां लोग जानते हैं उनको कहता पता है कि वे गणेशोत्सव, लेकिन इतना जो भव्य इतना प्रचलित उत्सव है वो गणेश चतुर्थी के दिन, क्योंकि यहाँ गणेश पुराण में ऐसा लिखा है कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन महोत्सव करना चाहिए। मंडप बना करके चारु मुपोष्य जागृयान निशी, बहुत सुंदर प्रसाद लेकर के भगवान गणेश की मृण्मयी मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति बना करके उनका पूजन करना चाहिए और फिर जागरण करना चाहिए। अच्छा भोजन, यहाँ वापस लिस्ट पूरा मधु मोदका पूप लड्डू कही ही, ये सब बहुत सुंदर भोजन करना चाहिए और भगवान गणेश का, अब तो अलका तेरी नंबर है ना बेना, तो ये सब प्रसाद पाना चाहिए भगवान गणेश का। ऐसा करने से गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। जैसा व्यवहार नीचे है ऐसा ऊपर भी तो चलता होगा। पिता हिमालय ने जब सुना कि मेरी पुत्री पार्वती के वहां पुत्र जन्म हुआ है तो बहुत बहुमूल्य कीमती आभूषणों को लेकर के पिता हिमालय आए हैं और बालक का दर्शन किया। पार्वती ने ये पुत्र को अपने पिता अर्थात नाना जी की गोद में गए ना, हाँ, तो हिमालय की गोद में दिया है। हिमालय ने तुरंत कहा कि ये पुत्र पृथ्वी को निष्कंटक बनाएगा, देवों को अपने अपने स्थान पर स्थापित करेगा, पराक्रमी होगा। और हिमालय ने अपने दोहित्र को, हिंदी में क्या कहें, नाती नहीं ना, दोहित्र ही कहते हैं ना, हाँ, पुत्री के पुत्र को दोहित्र, मराठी में नाती संगत ना अनिल, नाती नाती पोती, उफ क्या फर्क है नाती पोती में, पोता बेटे का पुत्र और नाती पुत्री का पुत्र, ठीक है, नाती पुत्र होता है नाती पुत्री होती है, अच्छा नाती पुत्र और नाती न पुत्री, थैंक यू इंफॉर्मेशन अपडेटेड। तो हिमालय ने अपने इस नाती को दोहित्र को मुकुट कुंडल अंगद कटिसूत्र आदि सब पहनाया और हेरंब नाम कहा है, गणेश जी का एक नाम है हेरंब, ये हेरंब नाम नाना जी ने दिया हुआ है, हिमालय ने ये नाम दिया हुआ है हेरंब। और फिर हिमालय अपने घर को प्रस्थान कर गए, हमारा भी प्रस्थान करने का, एक एक वर्ष की अलग 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 लीलाएं, अलग अलग राक्षसों को जो मारा मुक्ति प्रदान की, इसका वर्णन है, एक बड़ा प्यारा वर्णन
मैंने यहाँ पर पढ़ा 90वें अध्याय में है कि 12 वर्ष के जब गुणेश हुए तो पार्वती को इच्छा हुई कि मैं अपने बालक का नृत्य देखूं। ततस्तस्या महान आसीद उत्सवो नृत्य दर्शने। और वो स्वरूप कैसा है 12 वर्ष के गुणेश का, कोटि सूर्य निभम कोटि भूषणैश्च विराजितम, करोड़ों सूर्य जैसा तेज है, कोटि आभूषण मूल्यवान आभूषण सब पहनाए गए हैं, उत्सव हो रहा है और पार्वती के मन में इच्छा हुई ये मेरा बालक नृत्य करे तो कितना सुंदर दिखेगा। और माता की इच्छा परिपूर्ण करने के लिए बालकानाम हरस्याथ ज्ञात्वा वांछाम शिशुस्तदा, माता की इच्छा जब प्रता चली तो गुणेश ने शिवम नृत्यंतमालो थेई थेई ति शब्दे न ननरत गिरिजासुत, थेई थेई ऐसे शब्द से ये गिरिजासुत नृत्य करने लगे। श्रुत्वा तदीयम तम शब्दम हरो नर्ति तुम आगतः, बालक ये थेई 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 करके नृत्य कर रहा है, ये जब सुना तो शिवजी भी आए, शिवजी भी नृत्य करने लगे। शिवम नृत्यंतम आलोक्य ननर्त श्रीवरोऽपि च, भगवान शंकर को जब नृत्य करते देखा तो फिर श्रीवर लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु भी नृत्य करने लगे। और ओहो तथा इंद्रादयो देवास्तत्र नर्तितुमागता, इंद्र वगैरह देवों ने सोचा कि यहाँ गुणेश जी नृत्य कर रहे हैं, शिव जी नृत्य कर रहे हैं, भगवान विष्णु नृत्य करें तो हम सब क्यों वंचित रह जाए। इंद्रादि सभी देवताओं आकर के वहां पर ये सब करो ना, वो सब देवता लोग नृत्य करने लगे। ऐसा सुंदर वातावरण, जल्दी बेटा गया समय अभी, तो सभी देवता ऐसा सुंदर नृत्य करने लगे। मुनयो मनवो भूपा भुवनानि चतुर्दश, सभी मुनि मनु भूप अर्थात राजा मनुष्य जहां देखो वहां सब जगह पे बस नृत्य ही नृत्य हो रहा है। गणपति गजानन भगवान की जय। बड़ी प्यारी लीला है ये, मां की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान गणेश ने ऐसी सुंदर लीला का दर्शन कराया है। गणेश के ये जो मयूरेश्वर अवतार हुआ उसके बारे में भी ब्रह्मा जी बताते हैं कि कद्रु और विनता की कथा का प्रसंग बताया और विनता के पुत्र जटायु आदि नागबंधन में थे, उनको मुक्त करने के लिए भगवान गणेश ने मयूरेश्वर अवतार धारण किया और इन सबको मुक्ति प्रदान की, तब से उनका नाम मयूरेश भी पड़ा। वाह। तो प्रिय स्वजनों, अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण अत्यंत पवित्र विषय गणेश पुराण के विराम की ओर जब हम चलते हैं तो पुस्तक में 137वें अध्याय के अंत में वर्णन आता है। वरेण्य नाम का एक राजा है, भगवान गणेश जी के पास गया, उपासना की, प्रभु प्रकट हुए और वरेण्य राजा कहता है संसारे बहु दुखानी दृष्टानी दुस्सहानी च, प्रभु ये संसार में मैंने बहुत सारे दुस्सह दुख, सहन न हो ऐसे दुख मैंने देखे हैं निजी जीवन में और लोगों के जीवन में। इदानी मोक्ष मार्गम में कृपया दिश दुखहन,
गणेश जी आपसे इतनी ही प्रार्थना है। और प्रिय स्वजनों, ये गणेश पुराण के अंत की ओर है। गणेश पुराण के क्रीड़ा खंड में 155 अध्याय है, मैंने आपसे बताया। ये कथा 137वें अध्याय के अंत में शुरू होती और 138 से लेकर के 148, ये 11 अध्याय गणेश जी का उपदेश है, जिसको गणेश गीता के नाम से जाना जाता है। जैसे महाभारत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वो भगवद गीता, भगवान के द्वारा गाई गई, यहाँ गणेश के द्वारा गाई गई, ये गणेश गीता है। तो वरेण्य राजा कहता है, इदानी मोक्ष मार्गम में कृपया दिश दुखान, हे दुखान, अब मुझे मोक्ष चाहिए। बहुत देख ली जिंदगी, बहुत जीवन जी लिया, साक्षात्कारे कथम बंधस तवस्या द्विरदानन, प्रभु आपका जब साक्षात्कार हो जाए तो कोई व्यक्ति सांसारिक बंधन में कैसे रह सकता है। और यह सौभाग्य जब मुझे प्राप्त हुआ है प्रभु कि आपका साक्षात्कार हुआ है। येनोपदेशेन मुक्तिम यास्यामि तद्वदस्व मे, मुझे आप ऐसा उपदेश कीजिए कि आपके उस उपदेश को सुनकर मुझे मुक्ति प्राप्त हो। योगंतम येन संत्यक्षे कामम क्रोधम मृतेर भयम, मुझे ऐसे योग का उपदेश कीजिए जिससे मैं काम क्रोध और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाऊं। मेरे जीवन की जो अभिप्साएं कामना अर्थात इंटेंस डिजायर, ये चाहिए 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 वाला लिस्ट खत्म हो जाए, क्रोध खत्म हो जाए और मृत्यु का भय, जब मृत्यु का भय न रहे तो फिर दूसरा तो कोई भय रह नहीं सकता, मुझे भय न रहे, ये आप ऐसा मुझे उपदेश करें। ब्रह्मा जी कहते हैं कि वरेण्य राजा का ऐसी विनती सुनकर भगवान गणेश ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया और गणेश गीता का उपदेश करते हैं। संवाद है वरेण्य और गणेश का। वरेण्य उवाच, विघ्नेश्वर महाबाहो सर्वविद्या विशारद सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ योगम मे वक्तुमर्हसि। भगवद गीता का अध्ययन जब हम करते हैं तो पता चलता है कि ये गणेश गीता भगवद गीता का ही अर्क है। भगवद गीता में 18 अध्याय, 700 श्लोक हैं, गणेश गीता में 11 अध्याय और 414 श्लोक हैं कुल। भगवान गणेश जी ने वरेण्य राजा को उपदेश किया। वरेण्य राजा पहला प्रश्न पूछता है, विघ्नेश्वर महाबाहो सर्व विद्या विशारद, हे विघ्नेश्वर, हे महाबाहो, महाबाहो अर्थात बलवान, सर्व विद्या विशारद, सभी विद्याओं के आप विशारद हैं, इतना ही नहीं सर्व शास्त्रार्थ तत्वज्ञ, सभी शास्त्रों के अर्थ और तत्व को आप जानते हैं, योगम मे वक्तुम अर्हसि, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए योग क्या है। तो ये पहला अध्याय गणेश गीता का, उसका नाम ही है सांख्य योग सारार्थ, जिसमें प्रकृति पुरुष द्वंद्व का वर्णन है। गजानन उपदेश करते हैं, न योगम योगम इत्याहुर योगो योगो न च श्रियः, न योगो विषयेर योगो न च मात्रा दिभिस्तथा। पहली बात, वरेण्य जब पूछता है कि योग क्या है तो पहले तो 3-4 श्लोकों में गणेश जी बताते हैं योग क्या नहीं है। न योगो योगम इत्याहु, संस्कृत भाषा में योग शब्द युज धातु से उत्पन्न होता है और युज धातु का सबसे प्रसिद्ध जो वाच्यार्थ है वो है युज टू जॉइन, जोड़ना। इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में इसको कहते हैं ना प्लस, टू ऐड।
उसको संस्कृत में कहते हैं योग। 2+3=5, एडिशन इंग्लिश में कहेंगे, गुजराती में कहेंगे सरवाड़ो, संस्कृत में इसको कहेंगे 2 और 3 का योग होता है 5, एडिशन, जुड़ना। 2 और 3 जब जुड़ गए तो 5 हुआ। गणेश जी यहां पर कहते हैं न योगम योगम इत्याहु, केवल ये समेशन, केवल ये एडिशन वो योग नहीं है। कुछ भी मिल जाए तो योग हो गया ऐसा मत मानो। अर्थात योग शब्द का जो वाच्यार्थ लेते हो वो नहीं है। और फिर पूरी लिस्ट बताया कि कोई 2 वस्तुओं का संयोजन हो जाए या 2 व्यक्तियों का मिलन हो जाए वो योग नहीं है। नच श्रिय, किसी के पास संपत्ति मिल गई तो वो भी योग नहीं है। इतना ही नहीं, न योगो विषये योगो, विषय मिल गया, ऑब्जेक्टिव हैप्पीनेस मिल गई वो भी योग नहीं है। माता पिता मिल गए वो भी योग नहीं है। कोई राजा बन गया वो भी योग नहीं है। बंधु पुत्र फ्रेंड्स रिलेटिव संतान ये सब मिल गया वो भी योग नहीं है। अरे अष्ट प्रकार की भूति या सिद्धियां मिल गई वो भी योग नहीं है। राज्य भी मिल गया, राज्य योगाश्चनो योगो न योगो गजवाज भी, हाथी घोड़े मिल गए वो भी योग नहीं है। तो योग नहीं है वो वर्णन करते हुए फिर कहते हैं कि योग है क्या। ज्ञानी जन जो है, भूतानि स्वात्मना तुल्यम सर्वाणि गणयन्ति ते, सांसारिक तृष्णा जिसकी चली गई, मटेरियल हैप्पीनेस की अभिप्सा अभिलाषा अभिलाषा कामना जिसकी चली गई वो योग है। जब व्यक्ति को लगे कि मैं अपने आप से संतुष्ट हूं, बाहर से कुछ मेरे भीतर आए तब मैं सुखी हुआ या तब मुझ में कुछ वृद्धि हुई तब मेरी पूर्णता हुई, ये नहीं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, मैं जो हूं वही पूर्ण हूं। बाहर से कुछ आने से मेरी पूर्णता नहीं होती या मेरे में कुछ वृद्धि नहीं होती, इसको कहते हैं योग। और ऐसे लोग ऊर्ध्वरेता या तो निराहार रह करके या संयताहार मिताहार रह करके सांसारिक तृष्णा से रहित हो जाते हैं। और ऐसे लोग 3 लोक को पवित्र करते हैं। ऐसे कुछ महापुरुष, उनमें से भी कुछ गिने, ऐसे लोग भी बहुत कम होते हैं, और उनमें से भी जब गिने चुने कुछ महापुरुष लोगों के ऊपर जब उनको करुणा निर्माण होती है तो कुछ सुपात्र लोगों को यह योग का दान करते हैं, यह समझ, यह अंडरस्टैंडिंग, यह विजडम देते हैं कि बाहर की कोई वस्तु व्यक्ति या परिस्थिति मिलने से हम श्रेष्ठ नहीं होते, हम जो हैं वही पूर्ण हैं। उनका लक्षण क्या है? तो ये लोग भूतानि स्वात्मना तुल्यम सर्वाणि गणयन्ति ते। ये योगी किसे कहेंगे? जिसने ये दर्शन प्राप्त किया उसके जीवन में एक बात होगी, वो न किसी को बड़ा समझता है न किसी को छोटा समझता है, सबको समान समझता है। कैसे? अपनी तरह। होलियर देन थाउ एटीट्यूड जिसके अंदर आ गया, दूर रहो मत छुओ ऐसा मत करो ये मत करो, या तो मैं महान, ये भाव जहां आ गया वो कुछ भी हो सकता है, योगी नहीं हो सकता। जिसने आध्यात्मिकता प्राप्त की, सही अर्थ में जो स्पिरिचुअल पाथ पर प्रोग्रेस कर रहा है, उसका एक ही लक्षण, वो सबको अपने समान गिनेगा, सबका स्वीकार करेगा, उसमें सरलता होगी, उसमें सहजता होगी। ये योग का लक्षण भगवान गणेश बताते हैं।
समत्व भाव उसमें होता है। समलोष्टाश्म कांचन, यही शब्द भगवद गीता में भी है, समलोष्टाश्म कांचन। ऐसे किसी महापुरुष का जब दर्शन भी हो जाए या उनसे कुछ जीवन के रहस्य समझने मिल जाए तो मनुष्य भव सागर से पार हो जाता है। गणेश जी ने कहा अहमेव जगत यस्मात् सृजामि पालयामि च, ये जगत का मैं ही सर्जक हूं, पालन करता हूं, संहार करता हूं, मैं ही महाविष्णु हूं, मैं ही सदाशिव हूं, मैं ही महाशक्ति हूं, मैं ही अर्यमा हूं, ये जो अनुभव कर सकें यह भी योग की अनुभूति है। फिर कर्मयोग की बात आई, जिस आश्रम में जिस वर्ण में व्यक्ति जिस रूप में रहा है वो अपने कर्मों का अनासक्त भाव से आचरण करें, निष्काम कर्मयोग, कर्तव्य निभाता रहे, फल अपने आप आता रहेगा। फल की लालच में रह करके जो कर्म करता है उसके कर्म भी बिगड़ते हैं और फल भी बिगड़ता है। कर्म करने में ही आनंद आ रहा है, इस वृत्ति से जो व्यक्ति कर्म करेगा उसका कर्म भी श्रेष्ठ होगा और कर्म श्रेष्ठ होगा तो परिणाम श्रेष्ठ आएगा ही। बहुत सुंदर उपदेश है गणेश गीता का। भगवद गीता का अध्ययन आप करते हो तो वही सारी बातें सभी अध्यायों में प्राप्त होती है। संक्षेप में यदि बताऊं तो 138वां अर्थात पहला अध्याय गणेश गीता का, पहला अध्याय सांख्य योग सारार्थ, दूसरा अध्याय कर्मयोग है उसमें भगवद गीता का सार निष्काम कर्मयोग बताया है, तीसरा अध्याय ब्रह्मार्पण योग है, कर्म करके ब्रह्म को अर्पण करें, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, चौथा अध्याय जो है वो कर्म संन्यास योग है, पांचवा अध्याय योग वृत्ति प्रशंसन योग है, छठा अध्याय योगावृत्ति बुद्धि योग है, सातवां अध्याय उपासना योग है, जो भगवद गीता का जैसे 12वां अध्याय भक्ति योग है ऐसा उपासना अध्याय है, 8वां अध्याय विश्वरूप वीक्षण योग, भगवद गीता का 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन, ऐसे यहां पर गणेश गीता में 8वां अध्याय विश्वरूप वीक्षण योग है, 9वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विवेक योग है, भगवद गीता का 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग है, 10वां अध्याय और 11वां अध्याय दोनों का नाम उपदेश योग है, इसमें भक्ति और मुक्ति का मार्ग भगवान गणेश के श्रीमुख से प्रशस्त हुआ है। राजा सोमकांत भृगु ऋषि से ये जब उपदेश सुन रहे हैं, दूसरे या तीसरे दिन की कथा में आपने जो प्रसंग यदि याद रहा होगा, कथाएं तो बहुत हैं इसलिए कि ये जब सुना उनके हाथ से मुख से सोमकांत जिसको मुक्ति चाहिए थी, थोड़ा सा स्मरण करा दूं, पाप पुरुष जो उसके शरीर से निकला, भृगु ऋषि ने आम का एक पेड़ था याद आ रहा है, आम के पेड़ की कोटर में रहने के लिए उसको कहा, आम का पेड़ भस्मीभूत हो गया और भृगु ऋषि ने कहा कि तुम जो गणेश पुराण का श्रवण करते हो उसका जल इस आम के जो भस्मीभूत हो गया है आम का वृक्ष उस पर डालते रहो, वो वृक्ष जब नवपल्लवित होगा तो इसका अर्थ तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो चुके हैं, एक वर्ष के बाद, इसका अर्थ यह हुआ कि भृगु ऋषि ने सोमकांत को गणेश पुराण की कथा एक वर्ष तक सुनाई है, प्रतिदिन ये करता था तो भस्मीभूत वृक्ष जो था, शुष्क वृक्ष था, वो नवपल्लवित हो गया, पुष्पित हो गया, फलान्वित हो गया, उसके ऊपर पत्ते फूल फल आने लगे। तो भृगु ने कहा कि राजा सोमकांत अब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो चुके हैं,
सुमकांत जो दलित कुष्ठ रोग हुआ था वो भी सब दूर हो गया, दिव्य देह प्राप्त हुआ और उसको लेने के लिए विनायक धाम से, गणेश के धाम से विमान आया। देवदूतों ने कहा है कि परात पर गणेश ने आपको बुलाया है, आप इस विमान में बैठ करके भगवान गणेश के दिव्य लोक की ओर चले, भृगु ऋषि को प्रणाम किया, क्योंकि उन्होंने ये कथा सुनाई है। तो सोमकांत ने भृगु ऋषि को प्रणाम किए, उनकी अनुमति ली, विमान में आरूढ़ हुए। सोमकांत रानी लू परीक्षा क्या नाम था, सोमकांत की स्त्री पत्नी सुधर्मा। तो राजा सोमकांत और सुधर्मा दोनों उस विमान में विराजमान हुए। विमान जब उड़ा, उनकी राजधानी देखी देवपुर सौराष्ट्र में। माँ है ना सुधर्मा, पुत्र याद आया, मेरा पुत्र नाम याद है, हेमकंठ। तो याद आया मेरा पुत्र हेमकंठ, एक बार मिल लूं, मुक्ति मिल रही है। लेकिन देखो ये मां की भावना, मुक्ति की अधिकारिणी हुई लेकिन मुक्ति पाऊं, गणेश के धाम में जाऊं उसके पहले एक बार मेरे पुत्र से मिल लूं। विमान नीचे उतरा, इमरजेंसी लैंडिंग, और नगर के बाहर जब उतरा, संदेश पहुंचाया, तो हेमकंठ और सब अमात्य मंत्री प्रजाजन सब दौड़ते हुए आए, स्वागत किया। सोमकांत और सुधर्मा ने विमान से नीचे उतर करके हेमकंठ का आलिंगन किया, कहा तुम्हें देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई, और कहा कि भृगु ऋषि ने जो मुझे गणेश पुराण की कथा श्रवण की, मेरा शरीर दिव्य हो गया, सारे रोग चले गए, शरीर के रोग तो गए, मन के भी जो मर्यादाएं और थी, सब विकार थे, वो भी चले गए, गणेश के धाम का मैं अधिकारी हुआ हूं। भगवान गणेश ने ये विमान भेजा है और मैं उनके लोक को जा रहा हूं। तो हेमकंठ ने कहा, पिताजी फिर मेरा क्या दोष, मुझे भी साथ में ले जाइए। अमात्य लोग मंत्री लोगों ने कहा हमें भी ले जाइए, प्रजाजन कहते हैं हमें भी ले जाइए। सोमकांत ने, गणेश के दूत थे, उनके सामने दृष्टि की, ये सब संभव है। गणेश के दूत कहते हैं भगवान गणेश की कृपा से सब कुछ संभव है, आप जो गणेश पुराण आपने सुना है उसका पुण्य थोड़ा इन लोगों में भी बांट दीजिए। जल की अंजलि लेकर के सोमकांत ने उनके ऊपर वो पुण्य की वृष्टि कर रहे हैं, उस भाव से जलांजलि अर्पण की, सभी को अधिकार प्राप्त हुआ, सब विमान में आरूढ़ हो गए और भगवान गणपति की जय जयकार करते हुए सब लोग गणेश लोक को प्राप्त हुए। बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय। गणेशस्य परेशस्य नानालीलाधरस्य च वक्तृश्रोतोरघहरं किमन्यच्छ्रोतुमिच्छथ। प्रिय स्वजनों, गणेश पुराण का जो विराम होता है विलक्षण पद्धति से होता है। अन्य जो ग्रंथ होते हैं उसमें ग्रंथ के वक्ता श्रोता से पूछते हैं। श्रीमद् भागवत में भी देखिए, जब मोक्ष का समय आ गया तो सुखदेव जी ने परीक्षित से पूछा कि ये 12 स्कंद की कथा मैंने तुझे और कुछ श्रवण करना है। परीक्षित कहते हैं नहीं, मैं संतुष्ट हो गया, अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, अब मुझे मृत्यु का डर नहीं है। तक्षक नाग तो क्या, स्वयं यमलोक यम भगवान भी आकर आए तो मैं डरने वाला नहीं हूं। ये तृप्ति का भाव। गणेश पुराण का जो अंतिम श्लोक है, गणेश पुराण की महिमा तो बताई लेकिन उसमें कहा
कि गणेशस्य परेशस्य नाना लीला धरस्य च, भगवान गणेश की विविध लीलाएं, उनके विविध नाम, उनके विविध अवतार और साधु संतों का, देवों का रक्षण किया, असुरों का वध किया, ये सारी कथा मैंने सुनाई। वक्तृ श्रोतो रघहरम, वक्ता और श्रोता दोनों का पाप नाश करे, ऐसी ये कथा सुनाई। किमन्य श्रोतुम इच्छत, अब और क्या सुनना है, इस प्रश्न के साथ गणेश पुराण का विराम होता है। ये बड़ी विलक्षण बात है उपपुराणों में। तो गणेश पुराण कथा के व्यासपीठ से मैं भी आपसे पूछूं कि मन्यत श्रोतुम इच्छत। इति श्री गणेश पुराणे क्रीड़ा खंडे फलश्रुति निरूपणं नाम पंचपंचाशदुत्तर शततमोऽध्यायः। श्री गजाननार्पणमस्तु। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश जी से हम कहेंगे कि प्रभु केवल आपकी कृपा से ही यह संभव हो पाया कि गणेशोत्सव के पवित्र दिनों में आपकी महिमा का दर्शन श्री गणेश पुराण के अध्ययन के साथ हमने करने का प्रयास किया। सत्कर्म परिवार के तत्वावधान में केरिला फार्मास्यूटिकल्स परिवार द्वारा आयोजित और जिस हेतु से ये ज्ञान गंगा बह रही है, सदगत शीला बहन और इंद्रवदन भाई मोदी के आत्मा को परमात्मा के सान्निध्य में चिरंतन शांति प्राप्त हो, उनकी दिव्य चेतना के आशीर्वाद, डॉक्टर राजीव भाई मोदी, उनके पुत्र राजीव जूनियर और समग्र केरिला परिवार के माध्यम से इस सत्संग यात्रा में जुड़े हुए हैं, उन सभी के ऊपर प्रेरणा पाते रहें, सत्कर्म करने की ऊर्जा प्राप्त होती रहे और उनकी चेतना की ऊर्ध्व गति होती रहे, यही सद्भावना के साथ, यही प्रार्थना के साथ नवरात्रि के पवित्र दिनों में मां भगवती की कृपा से ऐसा ही सुंदर वातावरण चलता रहे और देवी भागवत कथा का श्रवण करने के लिए पुनः हम पूज्य श्री भाई YouTube चैनल के माध्यम से एकत्रित हों, और जो भी संस्कार चैनल के माध्यम से या जिस तरह से भी आप इस यात्रा में जुड़े हो, आप सभी को गणेशोत्सव पर्व पर भगवान गणपति के आशीर्वाद मिलते रहे, जीवन में से विघ्न दूर हो, जीवन सुखी हो, धन्य हो, प्रसन्न हो और सार्थक हो, यही सद्भावना के साथ बोलिए श्री गणपति गजानन भगवान की। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमापन्नः। बोलो सद्गुरुदेव की। जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनका हरि से जुड़ा संबंध है उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनका हरि से
जीवन में मिला सत्संग है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद। नमः पार्वती पते हर हर गणपति तेरी आरती, गजानन तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। गणपति तेरी आरती, गजानन तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। तेरी आरती, गजानन तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ अपने चरण की भक्ति दीजे, अपने चरण की भक्ति दीजे, अपनी शरण में मुहे रख ली, शरण में करो भव सागर पार करेंगे कर जोड़ के। गणपति तेरी आरती, गजानन तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़, करेगा हाथ जोड़ के, करेगा हाथ हाथ जोड़ के, करेगा हाथ जोड़, करेगा हाथ जोड़ के। कर पूरे पूरे ना मनोहरे ना सुवर पात्रांतर संस्थे प्रदीप भाषा सह संते ना लीला जनते जगदीश गोर्व मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुत्री काक्ष मंगलाय तनो हरि सर्व मंगल मंगले सर्वे सर्वार्थ साधके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते नारायणे एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम।
गुरु मंगलम गुरुदेव